Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada।
गुरुधर हरिनाम संकीर्तन की जय हो। कीर्तन महायोगी की जय हो। श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। श्री कृष्ण राम की जय हो। श्री गौर निताय की जय हो। श्री गुरु श्री गोपाल की जय हो। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों की जय। कल भी आए थे कुछ प्रभु जी आए थे कल। प्रभु जी बहुत मेहनत करके बहुत दूर से आए हैं। मेहनत करके इसलिए आए क्योंकि प्रभु जी कल ही आए थे पहली बार और पूरे डेडिकेशन से आज फिर से आ गए है ना। आमतौर पर देखे कल वाले भक्तों में से कोई नहीं है आपके अलावा, तो ये डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज वंदना माता जी कृपा हुई हम सब पे। नहीं जगन्नाथ जी की प्रभु जी क्या। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी थी चार चार चीजों पे हम चर्चा करते जा रहे हैं। कल हम चार चीजों की चर्चा करी थी, एक तो जीवन की जो मुख्य समस्या है उनकी करी थी, और कल हमने मनुष्य और मतलब और जो योनियां हैं उनमें अंतर की चर्चा कल नहीं करी थी है ना। तो आज हम एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवद गीता का अध्याय 2 का श्लोक संख्या 13। तो आप अगर प्रयास करें तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ये पूरा सेकंड चैप्टर सेकंड ग्रेड वालों के लिए आता है शायद है ना हेमंत जी है ना, और शायद थर्ड में से भी कुछ पार्ट है। सेकंड तो पूरा ही है ना हाँ। और सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि जो लोग तैयारी करते हैं और एकदम कंठस्थ करके बैठे हैं उनको इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी समझ में नहीं आता जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जिस उद्देश्य से भगवान ने बोली है वो उद्देश्य उनको बिल्कुल समझ में आता है। उनको क्या समझ में आता है श्लोक उसके शब्दार्थ और उसका जो भावार्थ है, मतलब जो अनुवाद है बस, क्योंकि यही आना उनके एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पता नहीं फर्स्ट ग्रेड में तो आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत हाँ संस्कृत वालों के लिए आता है ना, क्योंकि मेरी सिस्टर तैयारी कर रही है तो मैंने उससे पूछा वो उसको पूरे श्लोक याद है। तो एक दिन वो पढ़ रही थी, तू क्यों पढ़ रही है, तो बोले कि मेरे एग्जाम में आएगा तो ये श्लोक चल रहा था। तो मैं बोला मैं ये आता है तुझे, बोले आता है, क्या मतलब है इसका। तो मैंने तो उसने मतलब बताया इसका क्या मतलब था कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी इस और चर्चा करेंगे। तो ये उसने मतलब बता दिया, उसकी बुक में भी था ये। तो मैं बोला मतलब, बोले मतलब तो मतलब क्या हुआ इसका, तो यही मतलब हुआ। मैंने ये तो तूने याद कर लिया, मुझे भी तो समझा क्या मतलब है, बोल रही आत्मा शरीर मतलब शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में चला जाता है। मैंने फिर का ही मतलब है पूरा कंठस्थ है, ऐसा नहीं उसी को अकेले को, जितने लोग टीचिंग प्रिपरेशन सबको सेकंड थर्ड चैप्टर कंठस्थ है।
और एक भी श्लोक का मतलब नहीं बताया कि भगवान क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा सेकंड ग्रेड में आएगा इसलिए भगवान ने अर्जुन को नहीं सुनाया था कि सेकंड ग्रेड में आएगा ये टीचर बनने के लिए, इसलिए थोड़ी भगवान ने सुनाया था अर्जुन को कि अर्जुन बोल रहे हो कि भगवान सेकंड चैप्टर है सिलेबस में कृपया सुना दो, ऐसे तो नहीं बताया था भगवान ने, है ना। तो कल हमने कुछ चर्चा करी थी, इसको रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या चर्चा थी प्रभु जी? एक तो तीन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी थी, हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है। तो हम कौन है? आत्मा, है ना। शरीर तो नहीं है कोई यहाँ पे, माता जी शरीर तो नहीं है, शरीर भी है, शरीर है हम कि आत्मा है? आत्मा भी है, शरीर तो है ही, शरीर तो है ही, है ना। और भगवान कौन है? परमात्मा। और हमारा उनसे क्या संबंध है? नित्य दास का। दास मतलब हम उनके सेवक, हाँ हम उनके सेवक है, है ना। और कब से है सेवक? जन्म नहीं हुआ है तब से भी, जन्म तो केवल शरीर का ही तो हुआ है। इसीलिए तो पहले प्रश्न बता रहे कि हम कौन है, हम आत्मा है। हमारी जो स्थाई पहचान है वह क्या है? आत्मा है। शरीर स्थाई पहचान नहीं है। शरीर की स्थाई पहचान कब तक है? जब तक जीवित है, उसके बाद। और कब से है? जब से जन्म लिया है, उससे पहले? उससे पहले भी आत्मा। तो ये तो अस्थाई पहचान हुई। जैसे सोचिए कि कोई टीचर है, उसकी स्थाई पहचान कब तक है? जब तक टीचर के रूप में, जब तक रिटायर नहीं हो रहा। कोई स्टूडेंट की स्थाई पहचान स्टूडेंट कब तक है? जब तक वो पढ़ रहा है, नौकरी लग गया उसके बाद वो स्टूडेंट थोड़ी रहा। वैसे ही ये जो शरीर है ये हमारी स्थाई पहचान नहीं है, ये तो बदलता रहता है। अभी मनुष्य का है, कल हो सकता है गाय का हो, फिर सांप का हो, फिर कीड़े मकोड़े का हो, पक्षी का हो, किसका हो, क्या पता है, है ना। तो शरीर हमारी स्थाई पहचान नहीं है, हमारी स्थाई पहचान है आत्मा, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक है, है ना। कोई आदि नहीं है इसका, कोई अंत है। और भगवान कौन है? परमात्मा, यानी कि श्री कृष्ण है। और उनसे हमारा क्या संबंध है? नित्य दास का। केवल दास का नहीं है, नित्य दास का, यानी कि हमेशा हमेशा से दास का संबंध है, हमेशा हमेशा दास का ही रहेगा। इस शरीर में भी, इससे पहले कहीं होंगे वहां भी, और इसके बाद जहां भी जाएंगे वहां भी, है ना। तो आत्मा का जो परमात्मा से संबंध है वह नित्य दास का है। अब इस शरीर में ये आत्मा है, इसलिए आत्मा को क्या लगता है कि मैं ये शरीर ही हूं, और इसी वजह से सारे कष्ट हमें होते हैं। जैसे कौन कौन से कष्ट होते हैं? जैसे तीन प्रकार के कष्ट बताते हैं शास्त्रों में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, तीन तरह के बताते हैं। तो उसको मतलब थोड़ा मोटा मोटा ऐसे देखेंगे तो क्या कष्ट है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, चार तरह के कष्ट, मतलब कल का ही रिकैप चल रहा है। चार तरह के कष्ट भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यानी कि जन्म मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापा। जल्दी तो नहीं हो रहा किसी के लिए कि पता नहीं क्या चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं जो बता रहा हूँ वो आ रहा ना समझ, है ना। और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इसमें है, किसी को अगर कुछ डाउट है तो माता जी से भगवद गीता लेकर पढ़ सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं, लड़ाई नहीं होगी घर में रखेंगे। नहीं कोई, मेरे घर पे दो कार्टून रखे हैं और बिल्कुल लड़ाई नहीं होती है। हाँ, दो कार्टून तो पिछले 1.5 साल से रखे हैं। रोशि मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं अपने लिए खरीदती हूँ और कोई ना कोई मांग लेता है, और मैं कम से कम 8-10 भगवत गीता ऐसे दे चुकी हूँ। मैं अपने लिए लाती हूँ, मैं तो पढ़ नहीं अच्छा, पाती। अच्छा है, सबका लाभ। आप अकेले जाना चाहती हो भगवान के नाम? मैं तो दे देती हूँ वहाँ पे अकेले। नहीं मैं तो दे देती हूँ, रोशि कम से कम मैं नहीं पढ़ती, ये तो पढ़ाएंगे। ये अच्छा है, गृहस्थ का वैसे भी धर्म है दान करना। तो क्या चार समस्याएं बता रहे भगवान? जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा, है ना। जन्म के बारे में हमने चर्चा करी थी कल, जन्म में तो कष्ट है ही, है ना। क्या कष्ट है जन्म में? क्या कष्ट है माता जी जन्म में? जन्म लेने में कोई कष्ट है? मलमूत्र में पड़े रहते हैं। कहाँ? नरक में, माँ के गर्भ में। गर्भ में? अच्छा, उसमें कष्ट होता है? आपको कैसे पता? आपने बताया। अच्छा, इसलिए नहीं तो वैसे होता नहीं है। होता होगा ना, होता होगा। ऐसा नहीं है कि केवल याद नहीं है ना प्रभु के जन्म क्या हुआ था हमारे साथ गर्भ में। ऐसा नहीं है कि केवल शास्त्र ही कह रहे हैं, विज्ञान भी कहता है ना, डॉक्टर भी कहते हैं। अगर हमें नहीं पता, हम छोटे थे, हमें तो याद नहीं, हम तो पेट में थे, हम तो भूल गए, है ना। तो सबको बताएंगे कष्ट तो होता है, है ना। विज्ञान भी कहता है, कुछ भी हम खाते पीते हैं तो बच्चे को जाके कष्ट होता है। तीखा खाएंगे तो बच्चे को जाके लगेगा पेट में, है ना। कुछ खट्टा खाएंगे तो बहुत जलन होती है पेट में, है ना। ऐसे करके
जन्म में कष्ट ही कष्ट है, और ये तो कष्ट है ही, वहाँ गर्मी में पड़े हैं, मल मूत्र मवाद रक्त में सने पड़े हैं, वहाँ पैक एकदम एक झिल्ली होती है ना, उसमें पैक पड़े रहते हैं, है ना। तो जन्म में तो कष्ट है ही, और दूसरा क्या बता रहे, मृत्यु, मृत्यु में भी कष्ट है, सबको बता है ना, मरने में तो किसी को आनंद नहीं आता। और शास्त्र कहते हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हो, इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय, और जिसको हो रहा है वो बता नहीं सकता कि उसको इतना हो रहा है ना, बताने की परिस्थिति नहीं होती इतना बता कर, है ना। जैसे बताने की स्थिति हो तो शरीर छूटेगा, कर किसी किसी की तो आवाज ही नहीं निकलती है, हाथ पैर भी नहीं हिलते, ऐसी स्थिति रहती है अधिकतर, है ना, सब कुछ, और इतना कष्ट उनको हो रहा होता है, उसके लिए उनके बिस्तर से उछलने की जरूरत नहीं कि भाई इतना कष्ट हो रहा है, चुपचाप कैसे पड़े हैं, क्षमता ही नहीं है, बोल पाने की क्षमता नहीं है कि मुझे कष्ट हो रहा है। तो जन्म मृत्यु ये दो तरह के, और तीसरा बीमारी, बीमारी में तो सबको कष्ट है ही, जैसे माता जी को घुटनों की बीमारी है, कितना बढ़िया उदाहरण है, किसी को दांतों की होगी, शरीर के साथ साथ आंखें डलती जाती हैं, है ना, हाँ बीमारी का तो मतलब ही कष्ट है, कुछ भी बीमारी हो जाए, है ना, जैसे माता जी ने चश्मा लगा रखा है कई माता जी, ये भी एक कष्ट है क्योंकि उसके बिना दिख रहा नहीं है, ये लगा रखा है तो वजन रखा है ना, कष्ट है ना। तो हर तरीके की जो बीमारी है उसका मतलब ही कष्ट है, प्रभु जी कह रहे हैं बीमारी का तो मतलब ही कष्ट है। और चौथी बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा तो बनाया इसलिए कि अच्छे से मतलब कष्ट हो, बुढ़ापा नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही जवान रहे फिर तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, है ना। लेकिन अगर दो दिन खाना नहीं खाएगा तो उसको बुढ़ापे वाली, है ना, कि तो बस की नहीं है, बिस्तर से नहीं उठा जा रहा। तो ये चार तरीके के कष्ट बताए थे। और एक जो कल चर्चा रह गई थी कि मनुष्यों और बाकी सभी जीवों में क्या अंतर है और क्या समानता है, तो चार चीजें भगवान बता रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब जो समानताएं हैं 84 लाख योनियों है, सबको पता है, सबने सुना, मतलब मनुष्य में और बचे हुए 84,99,999 में क्या समानता बता रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार यानी कि खाना, जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते, सब लोग खाते हैं, सबके खाने की व्यवस्था करी भगवान ने। निद्रा यानी कि सोना, सभी लोग सोते हैं, कुत्ता सड़क पे सो जाता है बारिश में धूप में, हम घर में छाया में सो जाते हैं बिस्तर पे, इतना सा ही अंतर है, उसको भी उतनी नींद आ रही है, ऐसा नहीं है उसको नींद की गोली लेनी पड़ रही है, हमारे साथ तो फिर भी दिक्कत है, सुविधा के साथ कभी नींद नहीं आती, उसको अच्छे से नींद आ रही है, कभी देखा कुत्ता डॉक्टर के पास गया नींद नहीं आ रही है, उसको और अच्छे से आ रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है कि भाई हम तो मनुष्य हैं, हमने बुद्धि का हमने दुरुपयोग ही किया, सदुपयोग तो कभी किया ही नहीं। आहार निद्रा और तीसरा भय यानी कि रक्षा करना, हम सब जानते हैं हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है, जानवर भी जानते हैं, गाय को डंडा मारेंगे तो सींग मारेगी, सांप को डराएंगे तो है ना वो भी रक्षा कर लेगा, कुत्ते को डराएंगे तो, छिपकली को डराएंगे तो, समझे, हर किसी के पास अपनी रक्षा करने की सुविधा भगवान ने दी है। और चौथा मैथुन यानी कि बच्चे को पैदा करना, हमारे घर में हो रहे हैं, हॉस्पिटल में, उनके सड़क पे हो जाते हैं, है ना, पक्षियों के घोंसले में हो जाते हैं, जानवरों के जंगल में हो जाते हैं, हो तो सेम ही रहे, ऐसा तो नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में हो के नहीं, मतलब सारे बच्चे बच ही रहे, जो नहीं बच रहे उनको कोई डॉक्टर नहीं बचा पा रहा है, और जानवरों के बिना डॉक्टर के हो जाते हैं, कभी देखा छिपकली के लिए कोई कंपाउंडर गया, अपने आप हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन सी चार चीजें जो समान बता रहे हैं भगवान, कौन कौन सी है, कौन बताएगा माता जी, कौन कौन सी चार चीजें समान बता रहे हैं, आहार यानी कि खाना पीना, ये हम भी कर रहे हैं और बाकी सब चीज भी कर रहे हैं, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी कि रक्षा करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, ये चारों चीजें हम में और बचे हुए 83,99,999 योनियों में समान है, यानी कि 84 लाख योनियों में समान है। तो फिर हम में और जानवरों में क्या भिन्नता है, तो क्या भिन्नता बता रहे हैं, बुद्धि की, अब आप कहेंगे बुद्धि तो जानवरों में भी है, कुत्ता तो बहुत अच्छे से गुफा बनाता है अपनी रहने के लिए, चिड़िया तो बहुत अच्छे से घोंसला बनाती है ना, सांप या बहुत अच्छा बिल बनाते हैं अपने रहने के लिए, है ना, ऐसी ऐसी चीज हम कह सकते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे जानवर, जैसे बंदर है उसको पता है छील के खाना है ना, तो आप कहेंगे बुद्धि तो जानवरों में भी है,
लेकिन उनकी बुद्धि का उपयोग क्या है? उनकी बुद्धि का उपयोग इन चारों चीजों के आसपास ही घूम रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के आसपास घूम रहा है। और इसका क्या मतलब है कि वो जानवर ही है। अगर बुद्धि का उपयोग इसी के लिए करना है तो जानवर ही है। अब मनुष्य में भी बुद्धि है जैसे जानवरों में, थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन हमने उसका उपयोग क्या किया है? हमने भी उसका उपयोग उसी के लिए किया है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। तो अगर हमने भी उसी के लिए किया तो फिर हमें और जानवरों में क्या अंतर रहा? सुनने में कितना पढ़वा है, अरे आज आए क्लास में और तो हमारी तुलना जानवर से कर, मैं नहीं कर रहा, भगवान ही बता रहे भगवदगीता में अर्जुन को, मैं पूरा श्लोक एकदम स्पष्ट श्लोक है, आहार निद्र भय मैथुन आप देखेंगे, मैंने नहीं बताया। किसी को अगर बुरा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, दिल पे लग जाए तो और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवान बता रहे, भगवान की बात अगर आत्मसात कर लेते हैं तो इससे अच्छा क्या है। जैसे अर्जुन ने सारी चीजें सुनी और फिर भगवान की बात मान भी, भगवान फिर जैसे कह रहे वैसे कर रहे हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि हम में और मनुष्यों में, मतलब हम में और बाकी सब मनुष्यों में और बाकी सब जीवों में ये चार समानताएं हैं, और अगर हम भी बुद्धि का उपयोग इसी सब के लिए कर रहे हैं तो हम में और मनुष्य जानवरों में कोई अंतर नहीं, हम भी पशुओं के कीड़े मकोड़ों के समान है ना। ठीक है, तो क्या क्या चर्चा हो गई माता जी? माता जी हरी बोल, क्या क्या चर्चा हो गई आज? हमने क्या क्या चर्चा करी? हम कौन है? आत्मा। माता जी बताएंगे, माता जी ने सुना है। हम कौन है माता जी? भगवान कौन है? भगवान तो है ही, अभी तो आप बोल रहे हैं। ठीक है, और हमारा उनसे क्या संबंध है? नित्य दास। इस शरीर में भी और किसी भी शरीर में रहे और किसी भी शरीर में ना रहे, किसी भी लोक में रहे, हमारा भगवान से यही संबंध रहेगा। जैसे कोई बेटा है भरतपुर का रहने वाला, उसका घर भरतपुर में, पिताजी भरतपुर में रहते हैं और वो जयपुर में रहता है, तो जयपुर में भी वो उनका बेटा है या नहीं है? है। वो कहीं भी रहे उनका बेटा ही रहेगा, है ना। तो स्थान बदलने से, परिस्थिति बदलने से, शरीर बदलने से संबंध नहीं बदलेगा। तो हम किसी भी शरीर में रहे, क्योंकि हमारा शरीर हमारी पहचान है ही, हमारी सही पहचान तो आत्मा है, स्थाई पहचान तो, ठीक है ना। और क्या चर्चा करी थी हमने कल? कि संसार को भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता अर्जुन से? दुखालयम, यानी कि दुखों का घर। क्या है माता जी संसार? दुखों का घर। आपको लगता है सर कोई आनंद नहीं है जीवन में? नाम हाँ देखो, मतलब ये इस उम्र का ये फायदा तो है कम से कम, है ना। हमारी पीढ़ी तो मानने को तैयार नहीं है कि भगवान के नाम में आनंद भी है, है ना। अब इसको मजबूरी कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, या इनके माता पिता ने या दादाजी दादी जी वाली पीढ़ी ने बताया है, हमारे दादाजी दादी जी तो कम बता रहे हैं, पिताजी माता जी तो करने ही नहीं देते हैं, है ना। कि मतलब ये कोई उम्र है कोई भक्ति वक्ति की, हमारे टाइम पे करना, जब पैर चले जाए तब गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, आंखें चली जाए जब शास्त्र पढ़ने, दांत चले जाए जब प्रसाद लेना है, है ना, है ना। और सांस चली जाए भगवान का नाम लेना है, कहाँ लेंगे नाम को, चौरासी में घूमते हैं, है ना, ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो क्या बता रहे भगवान संसार को? दुखालयम, और आए क्या बोले? अशाश्वतम। दुखालय है यानी कि दुखों का घर है, और अशाश्वतम यानी कि शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब स्थाई नहीं है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। जैसे हम, हमारी कोई भी पहचान है, हम है, ये शरीर है, कब तक है कुछ पता है? अस्थाई है, आज है हो सकता है कल नहीं है, है ना। संसार में जो कुछ है वो सब अस्थाई है। आज मैं स्टूडेंट हूँ, जरूरी मैं कल स्टूडेंट रहूं? जब शरीर स्थाई नहीं है तो और कोई पहचान कैसे स्थाई है, है ना। आज ये घर है, कल नहीं है, 100 साल बाद नहीं रहेगा, 500 साल बाद नहीं रहेगा, कुछ भी स्थाई नहीं है, है ना। सब कुछ अस्थाई है, अशाश्वतम बोल रहे हैं भगवान। और कल हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे बोल रहे हैं भगवान दुखाल है, तो एक प्रभु जी आए थे तो वो ऐसे बोल भी रहे थे इनडायरेक्टली कि नहीं नहीं मतलब सुख भी है अगर हम मान लें तो, है ना। तो आप अच्छे से सोचेंगे तो संसार में एक भी चीज नहीं जो हमें सुख दे सकती है। अगर वह भगवान के लिए समर्पित नहीं है, वह भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो हमें सुख दे ही नहीं सकती है, है ना। जैसे उदाहरण, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? माता जी बताएंगे, पीछे माता जी बताएंगे क्या उदाहरण हो सकता है। माता जी
संसार में कौन कौन सी चीजें जो कष्ट दे सकती हैं? आपको कोई कष्ट होता है जीवन में? आनंद ही आनंद है, मतलब आनंद ही आनंद है। बीमार हो जाओ तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो ये तो कष्ट हो ही रहे। पैसा कम हो, जैसे जैसे कोई उदाहरण सही है। हाँ देखो, एक बीमारी है तो दुख है ही, है ना, और भी कुछ दुख हो सकता है। कोई काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, ये तो बच्चे अच्छे शादियाँ नहीं हो रही है, बच्चे खराब निकल जाए, बच्चे खराब निकल जाए, कहना नहीं माने, गलत रास्ते पर चले जाए तो दुखी दुख है उनको देख कर। बच्चों की नौकरी नहीं लग रही और कष्ट किसको हो रहा है? माँ पिता को, है ना। अपने तो कष्ट है जो है, औरों के भी लेके बैठे, हमें दे दो, हम लेंगे कष्ट। कोई जरा सा कोई गलत शब्द बोल दे तो उसको दिमाग पर टेंशन हो जाए। पता है आपको घुटनों में दिक्कत है, कमर में? अब कोई बोल दे कि मेरे भी कमर में दिक्कत है तो आप उसका भी कष्ट लेंगे क्या? नहीं लेंगे, अपना ही पहले से बहुत है तो हम औरों के क्यों लेके बैठे? माता जी घर में कुछ दिक्कत है मैं क्यों लूं? पहले से इतने कष्ट है मेरे पास, तो जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापे जबरदस्ती लेके बैठे हैं हम, हैं? अरे लाला ही नौकरी ना लगे तो पेंशन लेने से लग जाएगी, चिंता करने से लग जाएगी क्या? पढ़ेंगे भाग्य में होगा तो लग जाएगी। माता जी हाँ देखो, माता जी बता रहे हैं अपना अनुभव, कुछ नहीं होता है और कितनी, अरे व्यापार नहीं चल रहा है, ये फेल हो गया, अच्छा तो आप ज्यादा चिंता करो, अगले साल हो सकता है हो जाए। केवल संस्कार देना है, केवल संस्कार देना है ना, केवल संस्कार देना है, बस वही है हमारे हाथ में। उसका लालन पालन हो जाए ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कमाने लायक रहेंगे ये भगवान की कृपा के बिना संभव है कि हमें लग रहा है? माता पिता तो संस्कार भी नहीं दे पाते, बच्चा गलत रस्ते में बड़ा खुश होते हैं, छोटा होता है तो उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है ना। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, संसार को दुखा ले, दुख ही दुख है और अस्थाई है ना। और हम सबने अनुभव किया है ना, मेरी उम्र तो कम है, हो सकता है अभी मैं यंग हूं तो उतने कष्ट नहीं है जीवन में, है ना, खर्चा माता पिता चला रहे हैं, शरीर भी स्वस्थ है, आगे जाके बोल। लेकिन आप सबने अच्छे से अनुभव किया, उम्र बढ़ती जा रही है, इसके कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तरक्की नहीं हो रही है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उम्र बढ़ रही, कष्ट बढ़ रहे हैं, है ना। और हमें कैसा लग रहा है? तरक्की होती जा रही है हमारी, है ना, वो इतना बड़ा हो गया, बर्थडे ही मनाते हैं लोग, है ना। अरे एक साल एक तो जीवन का कम हो गया, कथा नहीं करवाएं, बेकार बेकार चला गया जीवन, इधर कथा नहीं करवाएं, केक कटवाएं, है ना। और कितने खुश होते हैं, अरे 25 साल को है वो हमारा लाला, 15 साल को है वो, बच्चा क्या बुझा दो मोमबत्तियां, 25वीं मना रहे हैं, 50वीं मना रहे हैं, 50वीं मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, दोनों खड़े हैं कि वो बना रहे हैं। और जबकि भगवान क्या बोल रहे हैं संसार को, दुखाल है। और हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे हमारे मतलब शादी के 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली, अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले को चिढ़ाने के लिए मना रहे हैं, ये दुखी होगा, अपना दुख कम करने के लिए, अपना दुख कम करने के लिए, है ना। मतलब उनको भले खुशी हो नहीं हो, भले पैसे भी नहीं है, बर्थडे मनाने से दिले, पड़ोसी ने मनाया था, परिवार में सब मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाए बच्चे का, जैसे तैसे खींच खाच के एडजस्ट भी कर लेंगे 10-5 हजार रुपए, पर मनना चाहिए, उसमें भी कष्ट है। अब धन नहीं है इधर, तो कर रहे हैं जुगाड़ तो कष्ट ही है, बनेगा जरूर, पर दुनिया को दिखाने के लिए, है ना, ऊपर से खुद तो नींद की गोली खा रहे हैं, हर बारे में कष्ट है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, जैसे नहाना भी एक तरह से कष्ट है, हमें नहीं लगता, लेकिन कोई अपनी मर्जी से नहाता है क्या? सर्दियों में देख लीजिए, सर्दियों में देख लीजिए, है ना, कितना कष्ट होता है, ओ हे भगवान, ये टंकी गर्म पानी देने लग जाए, है ना, हमें तो बीमारी है, क्या है ये, हमें तो बीमारी है, क्या नहाने की, वो इसलिए है क्योंकि ये पूजा पाठ करती है, भगवान की कृपा है, डेली तो डेली नहाना, भगवान की कृपा है, ये समझ लो डांग हो गया और ब्रश तो नहीं चढ़ा, गर्मी में तो दो दो तीन तीन बार खोल के पहना भी चले, ऐसा लगता है कि बस गर्मी में तो मैं दो तीन बार। और क्या कष्ट है, मतलब जो आमतौर पे हमें लगता है कि कष्ट नहीं, संसार में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप भगवान को समर्पित ना करें और वो सुख देने वाला, जैसे पढ़ाई है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो अपने मन से पढ़ता है, मजबूरी है,
पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे घूमते रहेंगे, है ना, घूमेंगे तो बाद में, उससे पहले तो अच्छे से पिटाई होगी स्कूल में, घर पे स्टार्टिंग से। हाँ, पहले दिन बच्चा जैसे ज्यादा रोते हुए जाता है। हाँ, और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, माताएं किचन में खाना बनाती हैं, डेली का है, मन करता है खाना बनाने का, खाना बनता है, कौन रोजाना घूसे मारे आटे में जो गर्मी में मरे किचन में, है ना। और उस समय कैसे एहसास होता है, जरा कल हम बात कर रहे थे, सबसे बढ़िया एग्जांपल साड़ी बांधने का है ना, किचन में माता जी लोगों को एहसास होता है साड़ी नहीं होती तो कम गर्मी लगती है, ये और पहननी पड़ती है, आदमी बढ़िया है तो जो मन करे पहने, है ना, है ना। कष्ट कोई भी कार्य संसार में ऐसा नहीं जो कष्ट देने वाला नहीं है, मेहनत तो होती है लेकिन कष्ट देने वाला है। भगवान ने बना तो सब चीज दी है। देखो अब माता जी का जो है बुद्धि काम कर रही है, ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है क्लास में, जो ऐसे नहीं हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, जो ऐसे नहीं जो हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, जिनका दिमाग कान खुले हुए, दिमाग खुला हुआ है कि सुन तो रहे है ना, ऐसे नहीं हाँ हाँ करना है, कैसी माता जी ने बुलाया है, जानो पड़े और पड़ोस में कोई बुला ले तो प्रसाद ले और चाहो, ऐसे दिमाग, हाँ हाँ यही है मालिक है ना। हाँ हाँ ये सही रहा, एक मालिक मिल गया हमें, एक मालिक तो मिला है ना, एक मालिक तो है, एक मालिक माता है, दो मालिक हो गए, सेकंड मालिक है, पहले मालिक है, तो क्या चर्चा कर रहे थे, भगवान बोल रहे संसार को दुखाल है, यानी दुखों का घर है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, सुख सुख है ना। तो ये मतलब वैसी बात हो गई, कैसी बात हो गई, जैसे वो नहीं ढूंढता है, वो भगवान वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, सीता मैया भेजती है वो कौन सा कस्तूरी मृग, उसको खुशबू आती रहती है, और वो ऐसे ढूंढता ही रहता है कि कहाँ है, उसकी नाभि में से आती है खुशबू, वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है खुशबू कहाँ से आ रही है ना। तो हम क्या यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं दुखाल है, दुखों का घर है, ये तो वैसी बात हुई कि भोजनालय में गए और वहां जाके बोले कि मोटरसाइकिल दिखा दो, वो बोले भाई भोजनालय, भोजनालय में क्या मिलेगा भोजन, पुस्तकालय में जाके बोल दें कि एक दाल रोटी की प्लेट लगा दो, तो दाल रोटी कहाँ मिलेगी, भोजनालय में मिलेगा भोजन, तो पुस्तकालय में क्या मिलेगा, विद्यालय में क्या मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा, हम क्या ढूंढ रहे हैं, बस बात अच्छे से है ना, एक बार अच्छे थे कहाँ पे, दुखालय में है, बताओ कहाँ सेट होनी, तो उतरे दुखालय में, मतलब कोई जैसे ऐसे ही है, जैसे कोई बोल दे जैसे कोई जेल में रहते हैं, बस यार मेरे तो पूरा जीवन जेल में निकल जाए, बढ़िया घंटा खाते खाते यहीं पे मैदान खोदता रहो, सब्जी बनाता रहो, कई दिन को जीवन सफल है, कैसा तो आपको कैसे, हाँ तो आपको कैसा लगेगा, अगर कोई बोल दे जेल में सेटल होना है, जेल में कौन सेटल करो, जेल में कोई अपना भविष्य देख रहे हो, और यहाँ पे क्या है, जेल ही तो है ना, तो उगला जा रहा ना निगला जा रहा, ना तो मर सके जियो जा रहा ना, है ना, ऐसे ही हो रहा ना, अब जन्म ले लिया है, जीना तो है ही, छत से तो कूदनी पड़े, है ना। तो क्या करें कि ये शरीर वाले जो कष्ट है इनसे मुक्ति मिल जाए, क्या करना पड़ेगा, अब शरीर के कष्टों से जितने भी कष्ट है शरीर की वजह से तो है, भगवान क्या बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही मुख्य समस्या है, ये होती किसमें, शरीर में, आत्मा तो जन्म लेती नहीं, ना मरती, ना बीमार होती आत्मा, ना बुढ़ापा आता किसको, ये सब शरीर को, पिटाई होती है किसको लगती है, है ना, सर्दी गर्मी किसको लगती है, मच्छर किसको काट रहे हैं, है ना, तो सारे जो कष्टों की जड़ है वो है कौन, शरीर। अब इससे पीछा छूटे तब समस्याएं दूर हो, अब कैसे छूटेगा पीछा, भगवान के वचन करने से। तो भगवान क्या समाधान बता रहे, उससे पहले ये एक अच्छा सा जो श्लोक अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें क्या बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, यानी कि जो ये शरीरधारी आत्मा है वो क्या बता रहे हैं, कैसे परिवर्तित होता है, कौमारम यानी कि कुमार अवस्था, यानी कि बाल्य अवस्था जो होती है, यौवनम यानी तरुणावस्था, यानी कि जो जवानी होती है, और जरा यानी बुढ़ापा, बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में जाएंगे, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में, है ना। जैसे साइंस कहती है हर 7 साल में पूरी बॉडी की जो कोशिका होती है वो बदल जाती है,
सारी कोशिकाएं पूरी तरह से, जो 7 साल पहले हम थे वैसे नहीं है, देख सकते हैं ना, अपनी फोटो देख लीजिए पुराने, 7 साल पहले ऐसे नहीं थे, कुछ तो परिवर्तन हो गया। और केवल ऐसा ही नहीं है, हर सजीव वस्तु परिवर्तित हो जाती है, हर जीव परिवर्तित हो जाता है ना, ऐसे हमारा शरीर हो जाता है। बाल्यावस्था से जन्म हुआ तो बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में, और वृद्धावस्था से संतान अवस्था भी आ जाती है ना। और जैसे कर्म हम कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो नरकावस्था ही आती है, और वहां से फिर दोबारा यही मृत्यु लोग, पता नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा भी नहीं, भजन की कोई अवस्था देखो, समझ रहे, माता जी का दिमाग खुला हुआ है, पूरा सुन रहे हैं माता जी, है ना, पूरा पूरा दिमाग खुला हुआ। और कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं श्लोक में, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। ये हमने देख लिया कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, क्या क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, तथा देहांतर प्राप्ति, और धीरस तत्र न मुह्यते, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। हम धीर है क्या, हमें तो पूरा मोह है शरीर से जुड़ी हर चीज से, है ना, जैसे दीवार, ऐसे क्या मोह हो सकता है, होता है पड़ोसी ने गलती से कुछ करा तो दिक्कत आ जाती है, मतलब इतना सब कोई अगर कंकड़ मार जाए और स्क्रैच हो जाए दीवार, तो पता ना कल नहीं रंग करवाया, है ना। सजीव चीजों से और शरीर से तो हम मतलब भोगग्रस्त हैं ही, निर्जीव चीजों से भी, फोन टूट जाए ओ हो, तलवारें खिंच जाएंगी, गिरा कैसे दिया तूने, गाड़ी में स्क्रैच लग जाए रास्ते में, देखो आप कहीं पे लग जाते हैं, बाजार में किसी की बाइक लग गई, कार लग गई, फिर देखो ट्रैफिक लग जाए, लग जाए। मैं जो मोहग्रस्त था अपनी कार से जिसपे तूने स्क्रैच कर दिया, पहले उसका हिसाब किताब होगा, है ना। और शरीर से, परिवारजनों से, इन सबसे तो मोहग्रस्त है, है ना, कोई शरीर छोड़ देता कितना दुखी होता है, चला गया चला गया, कौन चला गया, शरीर तो वहीं पड़ा है, शरीर तो वहीं पड़ा है। देखो चला हुआ माने पूरा सुन रहा है माता जी, ध्यान से, के लिए रोते हैं कोई, क्या इंसान के लिए होता, सब ऐसे बोलते हैं चला गया चला गया चला गया, कौन चला गया, कौन चला गया, शरीर तो पड़ा हुआ है ना, रो किसके लिए रहे, शरीर के लिए, भाई तू चला गया, वो तो मरा है नहीं, ना वो मरता ना वो मरेगा, आदि अंति नहीं मरेगा कैसे, आत्मा तो इन सबसे परे है, जलने मरने कटने से, है ना, खत्म होने से। और जो मरा है वो तो शरीर है, वो तो वो था ही नहीं जिसके लिए हम रो रहे हैं, है ना, आत्मा की वजह से शरीर चल रहा था, है ना। तो शरीर से मोहग्रस्त हुए पड़े हम, और इतने ज्यादा हुए पड़े हैं कि मतलब कुछ लोग तो कोई शरीर छोड़ देता है तो इतने ज्यादा मोहग्रस्त रहते हैं कि मुझे भी ले चलो इसके साथ, उसको पता ही नहीं कहाँ, बोले ये तो बस शमशान तक जाएगा, बस वही रहा, और जो गया उसके बारे में तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम गधे हो, तुमने जीवन भर जानने का प्रयास नहीं किया कि कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, है ना। गधे मतलब मूर्खी तो है हम सब, ना तो जानते ना जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे, बस चल रहा है, चल रहा है, फैक्ट्री है आलू की, चिप्स की फैक्ट्री है, आलू आता है फिर छिलता है फिर कटता है फिर तलाई उसमें चले जाता है तलने के लिए कढ़ाई में, फिर पैक हो जाता है, आलू थोड़ी हम हैं, ऐसी थोड़ी है, जन्म हुआ फिर पढ़े, शादी हुई, नौकरी लगी, बच्चे हुए, फिर नया जन्म बच्चों का, फिर वो ऐसे ही चल पड़े, फैक्ट्री चल रही है क्या, मनुष्य का जीवन मिला उसमें सारे काम जानवरों वाले, जैसे भी बताया ना आर निद्रा मैं तू, मनुष्य वाले कोई कार्य नहीं, और बुद्धि मिली उसका भी दुरुपयोग कर दिया, केवल आहार निद्रा बह मैथुन में, वो तो जानवर भी कर रहे हैं, हम में और उनमें क्या अंतर रह गया। अब ये तो सब एकदम ऐसी बात हो गई है, ये तो ज्यादा कड़वो से कह रहे हैं तो अच्छी बात ना है, इतने को बुरे ना है, जितने के बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, भगवान ही बता रहे हैं, भगवान ही तो बता रहे हैं सारी चीजें, हम शरीर नहीं है आत्मा है, भगवान से हमारा संबंधित दास का है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। फिर एक बार और हमने यहाँ पे कथा हुई थी तो चर्चा करी थी, जैसे माता जी अभी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि हमें ये नहीं पता हम कहाँ से आए,
लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि हम कहाँ चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो कहाँ से आए पता तो होना चाहिए, आए कहाँ से, पेट में नहीं थे उससे पहले, थे कि नहीं थे, थे क्या माता जी पेट में नहीं थे उससे पहले, कहाँ थे, नहीं ना कहीं तो होंगे, तो थे कि नहीं थे, क्या लगता है आपको, होंगे कहीं या नहीं होंगे, कहीं तो होंगे, कोई ना कोई शरीर में तो पड़े ही होंगे, शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी कहीं तो जाएंगे, शरीर ही तो मर जाएगा, लोग बड़े उससे कहते हैं स्वर्ग, हम तो रहेंगे, हम मतलब आत्मा। आप कितनी क्लास तक पढ़े माता जी, कितनी क्लास तक पढ़े सीनियर, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और अगर आपको पता है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है और भगवान से हमारा संबंध नित्य दास का है, तो ये पढ़ाई सफिशियंट है। अर्जुन कितना पढ़ा था पता है किसी को, नहीं पता, और ऐसे केवल अर्जुन ही नहीं है, बहुत सारे लोग जैसे मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं पढ़ी, कभी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन नोट वो लाखों के सकते समझ रहे, मेरी बहन भी है, क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, हमसे अच्छा हिसाब कर लाएगी बजाते और पढ़ी, क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको पता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है ना, और नोटों से भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि हम ये जान लें कि हम यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, क्यों इतने कष्ट झेल रहे हैं, है ना, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब एक स्टेप और बढ़ जाते हैं कि चलो ये तो नहीं पता चला कहाँ से आए हैं, है ना, लेकिन ये तो कर लेते हैं कि अब जाएंगे कहाँ, कैसे चलते रहेंगे कि फैक्ट्री में, है ना, तो जैसे जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमने कोई को गुरु ना करो तो हमारे संग गुरु नहीं होंगे, है ना, क्या पता नहीं किया, मच्छर काटते सबको, क्या बुरा किया आपने उनका, हमने क्या बिगाड़ा मच्छरों का, हम तो जानते भी नहीं उनको कि हमने जमीन हड़प ली उनकी, फिर भी काट लेते, खून पीने वाले क्यों पी रहे हैं, हमारे खून क्यों पी रहे हैं वो, उनकी प्रवृत्ति है, नहीं उनकी प्रवृत्ति है तो हम पे ठेका उसका, हमने ठेका लिया हमारा खून क्यों पी रहे हैं, और किसी का जाके पियो जिन्होंने गलत किया, है ना, कोई भी कष्ट है, गर्मी सर्दी लग रही, जैसे अभी तीन तरह के कष्ट हम बात कर रहे थे, उसको डिटेल में बात ना करें, आधी भौतिक आधी दैविक आधी आत्मिक, बाढ़ आ गई हमने क्या बिगाड़ा इंद्रदेव का, है हम तो उल्टा जल भी चढ़ाते हैं सूर्यदेव को, है ना, सबकी पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी बाढ़ का कष्ट हमें झेलना पड़ रहा है, सर्दी गर्मी हमें लग रही है, हमने क्या बिगाड़ा सूर्यदेव को, जल भी चढ़ाते हैं फिर भी हमें तपा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या, कुछ तो गलत किया है, पर किया कभी हमें याद ही नहीं, तो किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी रूप में जरूर किया है, है ना, जैसे पोंछा मार देते हैं रास्ते में चल रहे हैं, देख देख हवा में थोड़ी चल रहे हैं, अब सोचो एक मर्डर किया है किसी ने तो 307 के तहत 7 साल की सजा है, और इतनी सारी चींटियां मार दी करोड़ों ले गुणा 7, ये तो बहुत उम्र ही कम पड़ जाएगी, कितने जन्म तक भुगतना है, तो हर जितने भी कार्य हम भौतिक जगत में कर रहे हैं ना सब में कर्म बंधन लगेगा, कुछ भी कर रहे हैं, इवन खाना बना रहे ना उसमें भी मार ही देते हैं किसी ना किसी को, उसमें भी जीव होते हैं पता, आलू को काटते हैं उसमें जीव रहते हैं अंदर, जीवाणु विषाणु ये सब हमने पढ़े हैं, कीटाणु तो दिखते नहीं है वो भी होते हैं, धोने के बाद भी रहते हैं, है ना, तो कुछ भी हम खा रहे पी रहे कुछ भी कर रहे हैं संसार में कुछ ना कुछ एक तो गलत कर रहे हैं, और उसका कर्म बंधन हमें लगेगा, अब उससे कैसे मुक्ति मिले, है ना, तो पहले तो उसकी बात कर लेंगे ये सब होगा तो कहाँ जाएंगे, जैसे किसी ने पाप कर्म करें, जैसे कोई शरीर छोड़ देता है ना तो उसके शोक संदेश में लिखते हैं, पहले लिखते थे स्वर्गवासी होवासी, अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, फिर हो गया वैकुंठवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, गोलोकवासी है ना, वो बात अलग है उसके परिवार में, और प्रिंटिंग वाले को भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, कि गोलोक है क्या, कि वैकुंठ है क्या, अब स्वर्गवासी से काम चल रहा नहीं है समाज में, गोलोकवासी लिखवाओ वैकुंठवासी लिखवाओ, है आप देखेंगे कोई आता होगा, तो मैंने बहुत देखे हैं, है ना, मतलब अभी मेरे छोटे दादाजी का देहांत हो गया था, तो मतलब वो दिल्ली रहते थे तो खूब शराब पीते थे, बच्चे भी पीते हैं, और शोक संदेश आया कि हमारे पूज्य पिताजी श्रीमान हरि बाबू शर्मा जी का गोलोकवास हो गया, ओहो
अमृत पिया हो तो गोलोकवास उनमें स्वयं यमराज मना करते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे तो नरक में ना भैया इतने पाप नहीं झेल पाएंगे है मजाक की बात है। यमराज जी सबको झेल लेते हैं, खूब सारी जगह है वहाँ पे, खूब सारे कर्मचारी हैं दंड देने के लिए, है ना। तो कुछ भी हम पाप कर्म कर रहे हैं, या तो जो मिलेगी उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अच्छे काम करो तो ये होगा, है ना, एकदम स्पष्ट भागवतम है, पूरा चैप्टर है अजामिल कथा का, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन है अजामिल का। प्रसंग सबने सुना होगा अजामिल के बारे में, नाम कथा वथा सुनी होगी, है ना। मैंने नहीं सुनी थी जब से मैं भक्ति में नहीं आ रहा। तो कोई भी कितने ही पाप कर्म कर रहे हैं, उनकी ऐसे मान लो पोटली इकट्ठी होती जा रही है, और वो पोटली लेके कहाँ जाएंगे, हम नरक में, और वहां से अच्छे से दंड मिलेगा। कैसे मिलेगा, शरीर तो यही रहेगा, और आत्मा को तो ना जला सकते ना सुखा सकते, तो दंड कैसे मिलेगा, आत्मा को शरीर के रूप में बदल देते हैं। वहां पे अलग से यात्रा शरीर मिलता है, है ना, सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ, जैसे सूक्ष्म शरीर तो यहाँ से चला जाता है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। फिर वहाँ जैसे जैसे कहीं जाते हैं ना, जैसे तैरने के लिए जाते हैं तो वो देते हैं स्विम सूट, या फिर वो जैकेट देते हैं जिससे डूबते नहीं है, है ना। कहीं भी जाएंगे अलग अलग व्यवस्था रहती है, जैसे पुलिस वाले कहीं जाते हैं लड़ाई करने, गोलीबारी होती है तो ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं। ऐसी नरक में कब एंट्री होती है, अलग से यातना शरीर मिलता है आत्मा को, और उसमें हजारों लाखों गुना दर्द सहने की क्षमता रहती है। मतलब जैसे अभी हमें एक क्षमता शरीर में, अच्छे से पिटाई हो जाए तो बेहोश हो जाएंगे, और अच्छे से होगी तो मर जाएंगे। वहां नहीं मरते, वहां नहीं मर रहा कोई, वहां आनंद मिल रहा यमदूतों को, जो जिसकी पिटाई हो रही है उसको नहीं, यमदूतों को, है ना। तो वहां पे क्या है, खूब मतलब कष्ट सहने की हजारों लाखों गुना क्षमता है उसमें, यात्रा शरीर में खूब सारे कष्ट मिल रहे हैं। कितने सारे हैं वो अलग पूरा वर्णन है, गरुड़ पुराण भरा पड़ा है, पांचवें स्कंद का 26वां अध्याय है ना। और जब वो पोटली खत्म हो जाएगी पापों की, तो क्या होगा, मुक्ति नहीं है, वापस यही, और वो भी कर्मों के अनुसार। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर में भेज दिया फिर से अच्छे से, हो सकता है कीड़े बन जाए, है ना, नाली के, हो सकता है सांप बन जाए, चूहा कोई खाते रहे जीवन भर, है ना। तो समझ रहे मनुष्य जीवन कितना मतलब दुर्लभ है, इसी में हो सकता है जो कुछ हो सकता है। फिर बोले कह रहे छिपकली के जीवन में तो माला कर ही नहीं पा रहे, छिपके पड़े दीवार पर, डांस ही नहीं कर पा रहे, है ना। ये तो हो गई पापों की नरक की। दूसरा क्या है, स्वर्ग, वहां कौन जाएगा, जिसने अच्छे अच्छे कर्म किए, जैसे दान पुण्य किया है, समाज सेवा करी अच्छे से, हॉस्पिटल खुलवा दिए, फ्री में ऑपरेशन हो गए, पानी वानी पिला रहे हैं, है ना, वाटर कूलर लगवा रहे हैं, चार धाम की यात्रा करवा रहे हैं लोगों को, उनके पास क्या पुण्य इकट्ठा, वो पुण्य लेके कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में, वहां अच्छे से भोग करेंगे। और भोग तो कभी भी मतलब अच्छा संकेत है नहीं कोई, है ना। जितने अच्छे पुण्य करें वो पोटली जब तक रही वहाँ अच्छे से खाओ पियो, कोई कष्ट नहीं है, जुकाम नहीं होता है, कोरोना नहीं होता है, खाओ पियो आनंद लो, खूब भोग करो, डांस करो, सो आराम से, और पाप पुण्यों की पोटली खत्म हो जाएगी उसके बाद, यहीं पे मुक्ति नहीं है, है ना। और नरक और स्वर्ग हमारा उद्देश्य है भी नहीं, वो हमारी मंजिल है भी नहीं, वो तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी किसी ना किसी में तो जाना ही है ना। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, वापस इधर नहीं आना है, यहाँ नहीं आना है ना, किसी का मन नहीं आने का वापस, फिर से 9 महीने घर में रहो, फिर हॉस्पिटल में, फिर पढ़ो 15-20 साल, फिर नौकरी करो, किसी की कष्ट झेलो इतने सारे, फिर बीमार पड़े रहो, फिर बुढ़ापे में खांस खांस के मर जाओ, किसी का वापस आने का मन है यहाँ पे, निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो जाए, निकलो यहाँ से। कोई जेल में चला था उसका मन होता है एक साल और रह जाऊंगा यहाँ, सही चल रहा है, नहीं होता ना, होता है किसी किसी का होता है, बहुत सारे लोग देखेंगे बढ़िया चल लो भैया, तेरे जीवन में होंगे कष्ट, तू कर भजन यार, हमारा तो बढ़िया चल रहा। उन लोगों की स्थिति कैसी बताते हैं साधु संत, जैसे कई बार चर्चा करते हैं, जैसे अगर सुअर कीचड़ में लौट रहा हो और कोई उसको जाके बोल दे कि कहाँ कीचड़, गंदी चीज है ना कीचड़, किसके लिए,
हमारे लिए। सुअर को तो आनंद आ रहा है, उसका तो वही भोजन है ना। मल खाना कितनी गंदी बात है, हमें तो मिल जाए तो बस वो हो गई, अपना ही बड़ी मुश्किल से त्याग के आते हैं, निकलो लैट्रिन से बाहर। उसको बोल दो ये बात, तो उसको तय समझ लो रसगुल्ले मिल गए, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो गई। अच्छा अगर ऐसे सुअर बोलता, ऐसे साधु संत बोलते तो सुअर कैसे बोलता, तू कहाँ वहाँ पड़ो कमरान में पड़े रहे कूलर में, यहाँ कीचड़ में आ गए, कितना आनंद है। हमारी स्थिति भी वैसी है, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, कह रहे कहा है भजन ध्यान में कछु ना रखो, है ना। तो आप लोग के लिए आपके जीवन में कष्ट होंगे, आपका जाने का मन होगा यहाँ से, हमारा तो सब सही चल रहा है। उनकी स्थिति ना उन सुअरों जैसी हो गई, सुनने में कितना बुरा लगता है, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो ये सच है। थोड़ा सा भी आत्ममंथन करेंगे तो सच है, हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है ना। तो ना तो हमें नरक जाना ना स्वर्ग जाना, कहाँ जाना है, भगवान के धाम, वहां से वापस आके जाके यहां से फिर वापस आने की कोई टेंशन नहीं, फिर नहीं आएंगे। तो क्या गारंटी है नहीं आएंगे, पहले भी तो आ गए वहां से, क्यों आ गए, हमारा जो असली घर है भगवान का धाम है, गोलोक धाम जो हम कहते हैं बैकुंठ, तो आ क्यों गए वापस, इसलिए आ गए, हमने भजन नहीं किया, भगवान चाहे ही नहीं, भगवान वहां पे आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं है, भगवान के करोड़ों करोड़ों रूप है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी सेवा कर रही है, डांस हो रहा है, अभी जो कीर्तन किया था ये वहां परमानेंट चलता है। सोचो एक कीर्तन मृदंगा के साथ झमाझम बीत रही, डांस हो रहा है और थक भी नहीं रहे, ना गाने में ना नाच रहे, प्रसाद की भी टेंशन नहीं है, हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है वहाँ यहाँ की तुलना में। तो आप भागवतम में पढ़ेंगे पूरा बहुत अच्छे से वर्णन है भगवान के धाम में क्या क्या है, नदियाँ बह रही शहद की ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे फल हैं, कल्प वृक्ष है, जो मांग लो मिल जाएगा। तो वहां से आ क्यों गए हम, क्योंकि वहां भगवान की सेवा देख के हमें ऐसा लगा कि हमारी भी होनी चाहिए, यही आनंद लिए जा रहा है ना। जैसे कोई नौकर होता है, बहुत जगत में देखते हैं मालिक कार में जा रहा है, नौकर को बोल देते हैं कपड़ा मार दियो मैं निकलूंगा एक घंटा, खाना टाइम पे बन जाना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए, नौकर का खुश रहा, मालिक जैसी जिंदगी होनी चाहिए यार, ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी का आप रखो, तुम हैं पूरे दिन गधा की तरह काम कर, मालिक जैसी जिंदगी होनी चाहिए। वैसी इच्छा जीवात्मा की जब भगवान के धाम में होती है तो भगवान जीवात्मा स्वतंत्र है। जैसे प्रेम, अब मैं प्रभु जी करूँ, प्रभु जी आप मेरे से प्रेम करो, मेरे को आके रोजाना गले लगाया करो, मेरे लिए कमा के दो, यहाँ के बच्चे जैसा हो, ऐसी जबरदस्ती हो सकती है क्या, माता पिता बच्चों से जबरदस्ती कर सकते हैं क्या, कमा मेरे लिए लाके दे, पैर दबा मेरे, और अपने आप दबा दे बच्चे तो प्रेम से। तो सेवा जबरदस्ती का विषय नहीं है, भगवान के धाम में क्या, भगवान की सेवा आनंद लो, कीर्तन करो, है ना। जब वहां ऐसी इच्छा हमारी होती है, जैसे बच्चों की हो जाती है, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह वो अपना मकान चाहिए, वो न्यारो कर दो, ऐसी इच्छा हमारी हुई वहां, हम नहीं रहेंगे, हमारी भी सेवा हम अपने हिसाब से रहेंगे। तो भगवान ने जैसे बच्चे सेपरेट हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो घर वाले व्यवस्था कर देते हैं, चल तू बाबा के प्लॉट में बना ले, चल तू ऊपर के पोर्शन में तू रह ले, दो कार है एक कार तू ले ले, दो गाड़ी है एक तू ले ले, है ना, सब कर देते हैं व्यवस्था। लेकिन बच्चे खुश रह सकते हैं कि माता पिता से अलग होते, सबका अनुभव है, मेरा तो नहीं, मैं तो नहीं हुआ, बाकी सब सीनियर कुछ दिन उनको लगता भी है, देते लेकिन माता पिता से अलग होके कोई बच्चे आज तक खुश नहीं रहे, ये इतिहास है। कुछ दिन हो सकता है रह रहे हो कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। पर प्रभु जी आज के टाइम में तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देंगे, त्याग देंगे, बच्चे अलग ही रहने में ज्यादा अपने विश्वास समझते हैं आज के टाइम, केवल बच्चों पे ठीक रहा मत फोड़ दीजिए, माता पिता का भी दोष होता है उसमें, श्रवण कुमार तो नहीं गए, समझ रहे, प्रहलाद महाराज तो नहीं गए छोड़ के, जबकि हिरण्यकश्यप कितने मतलब महादुष्ट, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे तू करके भी नहीं बोला। आप पढ़ेंगे भागवतम, प्रहलाद महाराज प्रसंग कभी छोड़ के नहीं गए, कभी कुछ गलत नहीं बोला हिरण्यकश्यप को, समझ रहे, हाँ हमेशा मेरे पिता है, इवन जब उनको मतलब दंड दे रहे थे ना तब भी भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, समझ रहे, अपनी भी तो जिम्मेदारी है कुछ, तो इस पे भी आएंगे अभी। तो भगवान के धाम से हम इसलिए आ गए विद्रोह करके, इच्छा की सेवा की इच्छा नहीं थी, प्रेम करने की इच्छा नहीं थी,
यहाँ के फिर क्या मिला हमें, जन्म मृत्यु बीमारी बोला आपका। आप हमारी मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है 84 लाख में से घूम घाम के जैसे तैसे आ रहे हैं, और व्यवस्था भी दे रहे हैं कि निकलो, ये पढ़ो, ज्ञान लो और भगवान का नाम लो और जाओ यहाँ से। भगवान का नाम क्या लेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरंजना। यानी कि हरी नाम केवल हरी नाम एव केवलम, ऐसे बोलना केवल हरी नाम ही, केवल हरी नाम। और क्या बोल रहे हैं? कलौ नास्तेव 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 गतिरंजना। कलयुग में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन बोल रहे हैं? आपको ये मत कहना कि हम ब्रह्मा जी से ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। और क्या बोल रहे हैं? और क्या है माता जी कलि संतरण में, उपनिषद में क्या आता है, क्या श्लोक है? सबसे बड़ा महामंत्र। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या श्लोक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कलि कल्मश नाशनम। यानी कि यह 16 अक्षरों का नाम कलियुग के कलमशों का नाश करने वाला, इति षोडश नाम नाम कलि कलमश नाशनम। नाते परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? नाते परतोपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को देख लिया मैंने। ऐसे कौन बोला? ब्रह्मा जी। सभी चीजों को सार करके बता रहे, वेदों ये सब करके देख लिया मैंने, इसके अलावा कलयुग के कलमशों का नाश करने का कोई उपाय नहीं है, है ना? क्या क्या उपाय है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल यही उपाय है। सिंपल है, इसमें तो याद करने में भी दिक्कत नहीं। इसी का जप करो, इसी का कीर्तन करो, खाना बना रहे हैं तो गाते रहो, भगवान की आरती कर रहे हैं तो गाते रहो, भोग लगा रहे हैं तो गाते रहो। कितना सिंपल है, केवल इतना करने से ही हो जाएगा क्या? अजामिल के प्रसंग में सबने सुना होगा, है ना? वो अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को आवाज दे रहा था जब उसको यमदूत और विष्णुदूत लेने आए। किसको आवाज दे रहा था? बेटे। क्या नाम था उसका? नारायण। और आया कौन वहां पे? विष्णुदूत आ गए। क्यों आ गए? जैसे महाराज बताते हैं कि कोई भी आप नाम रख रहे हैं संसार में, वो कहीं से तो लिया है, तो नारायण नाम कहां से कॉपी किया है? सबसे पहले किसका नाम है? नारायण भगवान का, है ना? तो भाई जैसे चार लोग वही की नाम के, जैसे वंदना नाम के चार लोग, आप ऐसे बोलो वंदना, चारों देखेंगे एक साथ, है ना? वो बात पूरा प्रसंग है कि उन्होंने पहले अच्छे से भक्ति करी, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, बाद में वैश्या का संग किया और गलत संगति में रहे, वो है ना, उसका प्रभाव था। लेकिन उसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं जामिल के प्रसंग में, कि अगर कोई ऐसे पूरा जैसे यमदूत विष्णुदूत आमने सामने हो गए, लड़ाई हो गई, फिर विष्णुदूतों के सामने तो चलनी नहीं थी, यमदूतों की वापस चले गए और ऊपर जाके संयमनीपुरी में यमराज जी से लड़ रहे हैं। राधा गोविंद महाराज ऐसे बताते हैं ऐसे अपनी भाषा में कि अरे आपकी कोई चलती वलती नहीं है कहीं पृथ्वी लोक में, हैं? आज हम गए एक को लेने और पीट के भगा दिया होता हमें तो, हैं? वो तो हम जैसे जान बचा के आए, नहीं तो कल अखबार में नाम आ जाता हमारा। ऐसे करके महाराज बताते हैं मजाक मजाक में। तो काफी प्रसंग है, फिर यमराज जी बोलते हैं कि अगर कोई जीवन में एक बार भी केवल गोविंद का नाम लेता, एक बार जीवन में एक बार, या केवल एक बार केवल प्रणाम भी करता है भगवान को, जैसे हम अभी दंडवत करते हैं, उसको नरक में जब यमराजपुरी में संयमनीपुरी में लाने की जरूरत नहीं है, उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं। आपने तो 3 बार ले लिया पूरा महामंत्र, जिसमें 16 बार तो आ ही गया भगवान का नाम, है ना? है ना? तो ये एक अच्छी बात है, जैसे माता जी बोले जब मन करे तब ले। तो नरक तो नहीं जाएंगे, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन भगवान के धाम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर अच्छे से भजन कर रहे हैं तो भगवान के धाम भी जाएंगे, लेकिन समस्या क्या है उसमें बीच में, जैसे हम बात कर रहे थे कर्म बंधन की, कुछ भी कार्य कर रहे हैं जैसे सड़क पे चल रहे हैं, चींटियां मर रही हैं, कर्म बंधन तो लग ही रहा है,
कुछ भी गलत कर, इवन सांस ले रहे हैं तो भी पता है वायरस जाते हैं सांस के संग, है ना। पहले शायद नहीं पता था, कोरोना के बाद पता चल गया जाते हैं, वैसे भी जाते हैं बहुत सारे जानवरों को, जानवर मतलब जो बहुत छोटे छोटे विषाणु जीवाणु रहते हैं उनको सांस के साथ ही पी जाते हैं, है ना। तो इन कर्म बंधनों से जब तक नहीं बचेंगे तब तक भगवान के धाम जाने का रास्ता नहीं खुलेगा। भगवान का नाम ले रहे हैं, नो डाउट हम में से अब कोई नहीं जाएगा नरक, ये एक गुड न्यूज है सबके लिए, प्रसाद के साथ साथ गुड न्यूज लेके जाइए। लेकिन इससे काम थोड़ी चलेगा, यहीं थोड़ी रहना है, यहां से जाना भी तो है। तो क्या रास्ता है कि कर्म बंधनों से भी मुक्ति मिले। अब कैसे मुक्ति मिलेगी, नॉर्मली खाना बना रहे और भगवान को भोग नहीं लगा रहे तो कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। अब क्या है उपाय, उसको इस चेतना से बनाइए भगवान को भोग लगाना तब पाएंगे, भगवान को भोग लगा दो खाने के कर्म बंधन से मुक्ति। अब वो प्रसाद बन गया, वो खाना नहीं रहा, भोग बनाया था भगवान ने खा लिया, वो हो गया प्रसाद। कोई भी कार्य संसार जैसे नहाने में कितना जोर पड़ता है, कितने सारे जानवरों को मार भी देते हैं, है ना, चींटियां बह जाती बाथरूम में हो तो शरीर पे जो जीवाणु उनको भी मार दिया हमने नहाकर, है ना। कैसे बचेंगे, भगवान के लिए नहा रहे हैं, है ना। जो कार्य भी कर रहे हैं सब भगवान को समर्पित कर दो जीवन में, कोई गलत तो हम कर रहे नहीं है कि शराब पी रहे हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, वही सब आम कार्य कर रहे हैं जो आम व्यक्ति करता है, उसको भगवान को अर्पित कर दो। तिलक लगा रहे हैं भगवान खुश होंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए भगवान खुश होंगे, है ना। जैसे माताएं लगाती हैं सिंदूर, कौन खुश होता है, सौभाग्य का प्रतीक इसलिए लगाते हैं, ऐसे तिलक लगाना चाहिए। तो पति को खुश करने के लिए इतना सब, भगवान को खुश करने के लिए तिलक भी नहीं लगा सकते कितने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, अच्छे से अगर रहे साफ सुथरे बन ठहन के, है ना, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। अब भगवान कौन है, हमारे परम पिता ही तो है, सोचो उनके सामने अच्छे से बन ठहन के जाएंगे तो। जैसे आप आमतौर पर देखें जिन्होंने तिलक लगा रखा नहीं लगा, जैसे घर पे तिलक लगाते हैं रोज ही का, एक तिलक लगाए हुए व्यक्ति और नहीं लगाए हुए व्यक्ति, दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर लगेगा, है ना, हमें लग रहा है। तो सोचो वैष्णव तिलक लगाते हैं हम लोग भगवान के लिए, तो भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे, चलो अब आयो तो वही से, है ना। सोचो कोई बच्चा सेपरेट हो जाए, न्यारा हो जाए और 10 साल बाद आके माता पिता के पैर छू के बोले गलती हो गई थी, आ गया वापस, कितनी प्रसन्नता होगी माता पिता, चल आ गए कोई दिक्कत नहीं, और माफ भी कर देते हैं तुरंत अपना ही, है ना। तो वैसा ही है, तो भगवान का नाम लेंगे तो ये सब चीजों से मुक्ति मिलेगी हमें, किस चलते नरक वरक जाने से, स्वर्ग वर्ग जाने से। और भगवान के धाम जाने का रास्ता कब साफ होगा, जब भगवान के नाम के साथ साथ इन सब कर्म बंधनों से हम मुक्ति पाएंगे। कैसे पाएंगे, इन सब कार्यों को भगवान को समर्पित कर दो। नौकरी कर रहे हैं कमा के ला रहे हैं भगवान को समर्पित। अब ऐसे नहीं है कि मतलब भगवान पे उड़ा रहे पैसे, मतलब भगवान की सेवा करें, खूब सारा भगवान पे खर्च करें और अपने लिए जितनी जरूरत है अपने लिए करें, कितना सिंपल है। भगवान तो मानते भी नहीं, हम प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से जो भी भोग लगा देते हैं, तो इवन मतलब कहें कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो खाते भी नहीं है। सोचो इतना सारा भोग लगाया और हमें कुछ मिला ही नहीं, है ना। जैसे हमारा पड़ोस में हमारे में एक आंटी वो काजू और किशमिश का भोग लगाते हैं रोजाना, तो ऐसे हम ऐसे हंसी मजाक में दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा आंटी अगर ये खाने लग जाए भगवान तो आपका किशमिश काजू लगाना बंद हो जाएगा रोजाना, है 800 रुपये किलो के काजू कहाँ से लाओ, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। बोले लाला बात तो सही दे रहा, तो मैंने भगवान अप्रत्यक्ष रूप से खा लेते हैं, है ना, हमें हमें लगता है कि वैसे रहते लेकिन खा लेते हैं भगवान। तो क्या करना है, बस भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है, जैसी भी परिस्थिति हो माला से अगर कर सकते हैं तो माता जी से माला भी ले जा सकते हैं, और जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान को समर्पित कर दो। जैसे शास्त्र कहते हैं कि अगर बच्चे भी पैदा कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा के लिए ही करने चाहिए। हम ऐसे करते हैं क्या, आलू की फैक्ट्री है, पढ़ा दिए, नौकरी लगा दिए, शादी कर दी, बच्चे तो वहीं गए, फिर ऐसी पीढ़ी, फिर ऐसी पीढ़ी का जैसे माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, आतंकवादी बन रहे हैं, गोली चला रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, कोई सम्मान नहीं माता पिता का समाज में, देखते हैं इतने ये लड़ाई झगड़े हैं किस लिए, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं किस लिए, भक्त नहीं है लोग, भक्त बन जाएंगे तो क्यों होंगे, एक तो समय नहीं है, ऊपर से पता है कि वैष्णव की सेवा तो बहुत जरूरी है,
सब लड़ाई झगड़े खत्म। जैसे मेरे भैया मेरे से 8 साल बड़े हैं, वो जब भक्ति में नहीं था से 4 साल पहले ऐसे ही झगड़ा सा हो जाता था, भैया मेरे को मर्द होते थे, माँ जी चक्कर मत पड़ गए उठा ले जाएंगे, मिले वो भी नहीं, खूब सारा टोकते थे। एक दिन वो गलती से क्लास में चले गए, उनको बड़ा आनंद आया कीर्तन सुन के, उनके डाउट थे उन्होंने पूछे भी, और अभी भी मतलब वो परेशान करते रहते हैं वृंदावन के भक्तों को पूछ पूछ के, और बहुत अच्छे से भक्ति में आ गए। अभी ऐसा इतना बढ़िया प्रेम है कि मतलब भाभी ऐसे ही बोल देती हैं तुम इनसे बात ही मत करेगा, तो भी वो नहीं मानते। अच्छा अगर वो भक्त नहीं होते तो सेपरेट हो गए होते दोनों भाई, और सेपरेट होना नहीं है बुराई, एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष भाव ईर्ष्या भाव रखेंगे ही रखेंगे, जैसे समाज में अड़ोसी पड़ोसी घर वाले ये सब रखते हैं, और भक्त बन जाए सब लोग तो शाम को इकट्ठा होंगे कथा करेंगे जमाजम कीर्तन होगा है ना, और फिर बढ़िया बढ़िया प्रसाद होगा, झगड़ा झगड़े की जगह ही नहीं। लेकिन इतना आसान नहीं है, और आप जब भी शुरू करेंगे ना आपको विरोध के सुर मिल जाएंगे। आप कल से घर में बस एक तलक लगा के देख लेना है, भैया एक एक ही दिनाम है तो वो असर पड़ होगा है ना, और आपको बुरा भी लगेगा ऐसा सब सुन के, अरे यार मैंने तो इतने मनते लगाया अपना लगा। अच्छा उनको खुश करके मतलब इस हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जीव का धर्म ही क्या है, भगवान की सेवा, अभी देख रहे नित्य दास है, तो किसी को खुश क्यों करना है, समाज में वैसे भी कोई खुश नहीं हो रहा, कितना ही कमा के दे दो माता पिता खुश नहीं हो रहे है ना, माता पिता कितना ही कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे कुछ नहीं हो रहे, पत्नी खुश होती नहीं पतियों के अनुसार है ना, पत्नियों के अनुसार पति कुछ करते नहीं पत्नी के लिए, खुश है कौन समाज में, केवल भक्त लोग खुश हैं, जैसे हम खुश हैं माता ने प्रसाद बनाया है ना, आज कथा के लिए हमें समय दिया जगह दी है ना, ऐसे खुश होते हैं, माता जी खुश हो रहे हैं प्रभु जी आ गए, है ना, देखो है ना, देखो खुशी हो रहे हैं आपस में दोनों तरफ से, दुखी नहीं हो रहे। अच्छा आमतौर पे क्या होता है, अरे यार रिश्तेदारी दोपहर में कमा में सो रहा हूँ, दो दिन रुके वो रीट को पेपर जब तक रुके वो। अच्छा भक्त लोगों का क्या रहता है, अब ये इसको मैं देख लूंगा, इसको 3 दिन प्रसाद खिलाऊंगा मैं, और सुबह शाम आरती में ही बिठाऊंगा, ये आ तो गया हमारे घर है ना, तो भक्त लोग कितना खुश हो जाते हैं, कोई आ गया है बस, देख रहे हैं भक्ति में आने के बाद कितना आनंद है। भगवान के धाम तो जाएंगे ही जाएंगे जब शरीर छूटेगा, और यहाँ रहेंगे तब तक आनंद ही आना है, लेकिन केवल तब तक जब तक सभी कार्य भगवान को समर्पित है, एक भी कार्य समर्पित नहीं किया वही कष्ट है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि नौकरी लग गई पैसे आएंगे तो अच्छे से मैं भजन भी करूंगा, और जितनी सेवा होगी भगवान की उतनी सेवा भी करूंगा, तो कितना आनंद है, पढ़ने में भी आनंद आएगा, और नौकरी नहीं लगेगी तो भगवान की इच्छा है शायद उसमें कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं भगवान, हो सकता है नौकरी लगने से कुछ नुकसान हो सकता था मेरा, हो सकता है मैं व्यस्त हो जाता कि मैं करता नहीं, हो सकता है मैं अपनी तनख्वाह से आसक्त हो जाता है ना, हो सकता है ईशाल हो जाता अब तो मैं 50,000 कमा रहा हूँ अब क्यों करूँगा भजन है ना, कॉम्पिटिशन हो जाता अड़ोसी पड़ोसी से, और जब इंसान पर नहीं रहेगी नौकरी तो कम रहता है तो संतोष रहता है ना, कंपटीशन कम रहता है सब रिश्तेदारों में परिवार में आपस पड़ोस में है ना, तो भक्ति में आनंद ही आनंद है, कोई टेंशन नहीं है ना, और खर्चे भी कम है पता है, खर्चे भी कम है। जैसे अब मैं जीन्स शर्ट पहन के आता हूँ, पहनते भी हैं घर घर में रहते हैं नहीं तो भगा देंगे पिताजी का घर है ना, जीन्स अगर मैं जीन्स शर्ट पहनता हूँ तो कितना खर्चा, कम से कम 1500 का, धोती कुर्ते 500 हो गई बचत, बच्चे को 1000 रुपये भगवान की सेवा में लगाइए, भागवतम का सेट लेके आएंगे पढ़ेंगे आराम से है ना, बचत भी है भक्ति जीवन में, बचत भी है, 3000 की बनारस साड़ी की जरूरत ही नहीं है, 300 वाली से काम चल रहा है, बस एक तिलक का खर्चा है, तिलक का तो है ना, पूरे 20 रुपये का खर्चा महीने का, अगर आप लोग एडजस्ट कर सके तो, और नहीं हो तो हम लोग कुछ व्यवस्था करके इधर उधर से इकट्ठा करके माता जी से आप ले है ना, कितना आनंद है, इतने सारे फायदे हैं भक्ति के, भगवान के धाम भी जाएंगे और नॉर्मली खाना खाते हैं तो कैसा लगता है, कभी कभी स्वाद नहीं आता। अच्छा भक्त बनने के बाद भक्ति करने के बाद चेतना कैसी हो जाती है, भगवान को भोग लगाएंगे, और भगवान को भोग लगा दिया तो हो गया प्रसाद, और प्रसाद में तो टेस्ट है ही नहीं है, वो तो
वो तो फिर स्वाद के उससे भी परे चला गया है ना, फिर उसमें कुछ वेस्ट भी नहीं करते, चाट जाते पूरा है ना, संभव है तो चाट ही जाते पूरा, कुछ भी नहीं बिल्कुल। और आमतौर पर लोग देखते हैं तो कैसे समझते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं पहले, मतलब जैसे मैं शुरू शुरू में वृंदावन गया था तो प्रभु जी तो ऐसे पूरी स्टील की प्लेट चाट जाते थे, मतलब उसको देख के नहीं लगे आके साफ हो गई है कि खाया पिया कि नहीं खाया, हम सोचते थे मैं ऐसी का दिक्कत है नेका रहेगा अलग होता रहे जान दो, तो धीरे धीरे मतलब पढ़ा सुना भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के गुण में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की लीलाओं में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के रूप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के धाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, है ना। जैसे कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे ऐसे रसगुल्ला रसगुल्ला खाऊं तो मीठा स्वाद आ जाएगा, भौतिक जगत की चीज है ना, उनमें नाम और नामी में भेद है लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आप कृष्ण बोल रहे हैं मतलब आपकी जीवा पे कृष्ण है और आप बोलते रहिए आपको वो आनंद आएगा, रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से हो सकता है मीठा स्वाद नहीं आए। जैसे नामी नामी में नाम और नामी में भेद बताते, जैसे किसी का माता जी का कोई नाम है कुछ भी है, जैसे प्रभु जी लोगों में जैसे नाम होता है किसी का, जैसे वो कहावत है ना आँख का अंधा नाम नहीं सुन, वैसा है भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद है। जैसे किसी का नाम सुंदर लाल बिल्कुल काला गलूदा, नाम से मैच ही नहीं कर रहा है ना, जैसे किसी का नाम ऐसा होता है बिल्कुल राम बाबू है ना, किसी का नाम है राम बाबू और उसका ना राम से लेना देना ना बाबू से, तो इस संसार में नाम और नामी में भेद है लेकिन भगवान के धाम में नहीं है ना। तो आज के जो भी हमने चर्चा करी है, कोई व्याख्यान नहीं है कोई संवाद नहीं, केवल हरी चर्चा के लिए इकट्ठा हो, तो आज का रीकैप हमने क्या क्या सीख लिया है, हम कौन है, शरीर तो नहीं है प्रभु, शरीर तो नहीं है हम, ये पीढ़ी में ये फायदा है इतना तो पता है, हमारी पीढ़ी तो गई काम से, उसके जिम्मेदार भी आप लोग ही सिखाई दी रहे हमें, सिखाई रहे समय के हिसाब से सब सीखा, कभी कभी समय इतना देर हो जाती है कि पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पाते वो अभी समझते कि और बेटर ही नहीं ऐसा हो रहा लगता है, कोई नहीं देखो भगवान की कृपा होगी तो जब समझेंगे जब समझ जाएंगे, है ना। तो हम कौन है, आत्मा, भगवान कौन है परमात्मा, और हमारा उनसे क्या संबंध है, नित्यदास का। अच्छा मनुष्य में और बाकी सब जीवों में मतलब 84 लाख जीवों में क्या समानता है, क्या समानता है माता जी, आहार निद्रा भय मैथुन, मैं नहीं बता रहा भगवान ही बता रहे हैं अर्जुन को भगवती का, खाना पीना है ना, सोना रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, ये सब समानताएं चार है ना, और अंतर क्या है, बुद्धि का, और उसका भी हमने दुरुपयोग ही किया है ना, उसका उपयोग भी हमने इन चारों की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं, और करना किस लिए था, किस लिए करना था, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, नित्यदास है, नित्यदास यानी कि सेवा का, वो तो हमने करी नहीं और करते भी नहीं है ना, इधर का उधर का और बहाने मारते रहते हैं, किससे बहाने मार रहे हैं, हम स्वयं से, हाँ। और जैसे प्रभु जी धोखा दे रहे हैं, इसके लिए भी एक श्लोक आता है बढ़िया सा दूसरे अध्याय में, उसके लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, भगवान मिथ्याचारी, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठा जो मिथ्याचारी यानी झूठा आचरण कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम में और जानवरों में आहार निद्रा भय मैथुन तो सब कर ही रहे हैं, है ना, हम थोड़ा अच्छी सुविधा से कर रहे हैं हमारे अनुसार, वो थोड़ा कम कर रहे हैं, कुत्ते को मिट्टी लगी रोटी में भी उतना ही स्वाद आ रहा है जितनी हमें साफ सुथरी में आ रहा है, सुअर को मल में आ रहा है ना, चूहे को कीड़े मकोड़े खाने में आ रहा है, सांप को चूहा खाने में आ रहा, उतना ही स्वाद आ रहा है जितना हमको खाने में आ रहा है ना, हम गद्दे पे सो रहे हैं अच्छे पंखे में, वो बाहर सो रहे हैं उतना ही, ऐसा नहीं कुत्ते को नींद नहीं आ रही कि डॉक्टर के पास जा रहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती सड़क पर, हमसे अच्छी आ रही है उसको, हमें ही समस्या होती है नींद नहीं आती, रक्षा करना उन सबके पास ही वो सिद्ध है हमारे पास भी है। और मैथुन
उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं, उनके बिना किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट के हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट के हो जाते हैं, इतना सा अंतर है। और जो बुद्धि का अंतर है उसका हमने दुरुपयोग किया इसी चारों को पूर्ति करने के लिए। आज इधर ये चारों काम तो हमसे ज्यादा अच्छा ही कर रहे हैं। तो अगर हम अगर यही सब चारों काम की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं। थोड़ा सुनने में कड़वा है पर मतलब मैंने नहीं बोला, भगवान ने अर्जुन को बोला किसी को लड़ाई है तो भगवान से भगवत गीता से जाके लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने नहीं बोला, मतलब स्पष्ट श्लोक, अब अर्जुन ने पूछ लिया है तो भगवान तो मित्र है अर्जुन के, है ना, बहुत प्रिय भी है अर्जुन भगवान के, तो अब धोखा तो नहीं दे सकते, कह सकते ना अच्छा मित्र वही जो कड़वा बोले, मित्र के भले की बोले, तो भगवान कड़वा कड़वा बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसा कड़वा बोल रहे हैं कि अगर हम ये चारों कार्यों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, कमाना खाना ये सब, तो हमें और बाकी सभी जीवों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जानवरों से कीड़े मकोड़ों से तुलना करते हैं। और क्या चर्चा करी हमने, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो जितने भी संसार में कष्ट है शरीर की वजह से, कौन कौन से चार कष्ट बता रहे हैं भगवान भगवत गीता में अर्जुन को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पेट में तो होते ही है 9 महीने मलमूत्र में पड़े हुए, है ना, और शास्त्र कहते हैं कि याद भी रहता है, वहां पे प्रार्थना भी करते रहते हैं सब लोग, नहीं यहाँ से बाहर निकाल लो, परीक्षित महाराज के प्रसंग में सब पढ़ते भी हैं, है ना, भगवान ने रक्षा कर ली थी, वो अश्वत्थामा ने तीर छोड़ा था माता उत्तरा के गर्भ में, है ना, ये तो सबने सुनी भी होगी, है ना, तो है ना देखा भी है महाभारत में, तो ये उनके साथ नहीं है कि परीक्षित महाराज के साथ ही था भगवान के भक्त थे, हम सबके साथ है, माता के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, पूरा याद रहता है कि कहाँ पड़े हुए, भगवान के दर्शन भी होते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं भगवान से अब यहाँ से निकाल लो, अब की बार नहीं, और ऐसा नहीं केवल मनुष्य गर्भ में ही होता है, छिपकली के गर्भ में जो अंडे हैं ना उनमें ही भगवान के दर्शन होते रहते हैं, चींटी के पेट में जो अंडे हैं ना उसमें ही माता उसमें भगवान के दर्शन होते रहते हैं गर्भ में, हर जीव हर योनि में होते रहते हैं, वो ऐसा नहीं मनुष्य में ये सुविधा दे रखी है, हर हर योनि में, पक्षी के अंडे ना उन अंडों में भी जो है भगवान के दर्शन होते रहते हैं, और बाहर आते ही भूल जा, और इतना माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कोई बताए तो नहीं मानते और नाराज भी हो जाते हैं हुकूमत से, खाए जैसे मेरे पिताजी तो इसी बात से नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, है ना, अहंकार वो चोट पहुंचती है, हमारा बेटा हमको बता, है ना, आज गल को छोड़ा, मतलब अब मैं थोड़ी बता रहा हूँ भगवान बता रहे, मैं तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, भगवान ने बोला मैंने बता दिया, उनको बुरा लग जाता और हम दोनों भाई एक हो जाते हैं, और फिर पापा जी उठ के चल देते हैं, हम तो पागल है, है ना, इतना जबरदस्त है माया के प्रभाव, अंदर सब याद था और बाहर आते ही सब भूल गए, और अब कोई बताता भी है तो इतना बुरा लगता है कि अब नहीं जाएंगे बात करें, जैसे कल माता जी के यहाँ क्लास थी तो एक दो लोगों को तो ऐसा लगा कि हमारा अपमान हो गया क्लास में आके, इन्होंने कैसे बता दिया कि हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, मैंने थोड़ी बताया, मेरे को तो खुद को नहीं पता था, थर्ड ईयर में आके मेरे को पता चला कि भगवद गीता में ऐसा भी भगवान बता रहे, तो वो उनके लिए थोड़ी लागू हो रहा है, हम सबके लिए ही हो रहा है, अर्जुन को भी तो बता रहे भगवान, अर्जुन पे भी लागू हो रहा, बस भगवान पे ही नहीं हो रहा है ना। तो क्या मुख्य समस्या बता रहे, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, जन्म की हमने चर्चा कर ली, मृत्यु मृत्यु में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, शास्त्र कहते हैं कि शरीर छोड़ते समय इतना कष्ट होगा, जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे, एकदम एग्जैक्ट श्लोक है भागवतम में, एक तो भागवतम भगवत गीता पढ़ते ना बड़ा आनंद आता है, वैसे विश्वास सा नहीं होता, पढ़ते जब ऐसा लगता है अरे जो हमको बता रहे थे क्लास में वो सही है एकदम, ये मिल गया आधे श्लोक, 18,000 श्लोक धीरे धीरे मिलते हैं, 700 श्लोक धीरे धीरे जाके मिलते हैं, लेकिन जब मिल जाता है ना बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे झूठ नहीं बोल रहे थे, अपने मन से नहीं बता रहे थे, लिखा तो है, व्यासदेव मेंशन तो करके गए हैं, तो एकदम स्पष्ट श्लोक बता रहे हैं, इतना कष्ट होगा शरीर छोड़ेंगे जब 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हो, अब समझ लीजिए कितना कष्ट होगा, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसी स्थिति रहती है कि बोल भी नहीं पाते, बस ऐसे पड़े पड़े अपने आप ही झेल रहे हैं कष्ट को, और पता है बाहर सब कैसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, चल बस है, बोल रहे थे एकादशी बोल देते हैं, एकादशी रोमी निकल लो, है ना, इतना कष्ट होता है, है ना, इस शरीर की वजह से, ऐसा नहीं है शरीर छोड़ने के बाद कष्ट खत्म हो गए, फिर ऊपर चले आते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे ऊपर नीचे, उधर डंडे खा के फिर इधर झेलो, इधर से जाके फिर ऊपर डंडे झेलो, फिर और किसी योनि में चले गए, मनुष्य में नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं बार बार, 84 लाख में घूम रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इतनी सुविधा है कि नरक हुआ है, ये सुविधा है तो और दंड की बात हो गई, दो कष्ट हो गए, भगवान है ना एकदम स्पष्ट श्लोक है,
तीसरा क्या बता रहे हैं? जरा, यानी व्याधि, व्याधि बीमारी। सभी को कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, अंत में तो होनी है। और बुढ़ापा है ना, जैसे प्रभु जी लोग हमसे एक पीढ़ी ऊपर चले गए तो कुछ कष्ट अभी से होने लग गए होंगे। दादी जी आपसे एक पीढ़ी ऊपर चले गए तो उनको और भी कष्ट हो रहे होंगे, हमें थोड़े कम है ना। तो ये चार तरीके के कष्ट भगवान बता रहे हैं उनको। और ये केवल किस वजह से है? शरीर की वजह से। इससे पीछा छूट जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब पीछा छूट गया मतलब ये नहीं कि मर जाए, उससे पीछा नहीं छूट रहा, पीछा छूटेगा भगवान का नाम लेने से। कलयुग में क्या है, जैसे सतयुग में ध्यान योग था, तपस्या करते थे 60-60 हजार साल एक टांग पे खड़े होकर, त्रेता में फिर यज्ञ आ गए, द्वापर में फिर मूर्ति पूजा, और कलयुग में हरिनाम। ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे भागवतम में पूरा मेंशन है। और सबसे अच्छी बात कि कब से शुरू करना है, कब से शुरू करना है प्रभु? अभी से। कब से शुरू करना है? जैसे परीक्षित महाराज को सांप ने काटा और उनको पता चला केवल 7 दिन बचे, सब राजपाट छोड़ छाड़ के चले गए सुखदेव गोस्वामी के पास, हमारे पास इतना समय बचा, ये भी नहीं पता कि 7 दिन भी है कि नहीं है, कोई समय नहीं है सब क्या कभी भी कुछ। और हम अभी भी नहीं छोड़ सकते, अच्छी बात है कि छोड़ना नहीं, घर में रह के करिए, बाकी सब काम तो हो ही रहे हैं, हम नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे पड़ोस में एक सेठ जी, उनकी शादी नहीं हो रही, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं हो रही तो इतना चिंतित क्या हो रहा है, बढ़िया नहीं हो रही, कम कमाना पड़ेगा, नहीं पूरा जीवन दुकान पे निकाल दो। तो उनकी मम्मी बोल रही अरे ऐसे कैसे, ऐसे कोई नहीं करे शादी, संसार कैसे चलेगा, सही में संसार चलाने के लिए शादी कर रहे हो कैसे? किस किस ने संसार चलाने के लिए शादी करी है, खुद की भी और बच्चों की भी है? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, अरे फिर संसार सृष्टि कैसे चलेगी, हमने ठेका लिया कि सृष्टि चलाने का, ठीक है समाज में व्यवस्था है, लेकिन ये सब कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करने से, पत्नी आएगी वो भी भक्त होगी, बच्चे भी तभी करने गर्भाधान संस्कार के अनुसार, जैसे सभी संस्कार बताए हैं ना, मुंडन होता है, पाणी ग्रहण होता है, अंतिम संस्कार होता है, नामकरण होता है, प्राण विभेदन होता है ना, अन्नप्राशन होता है, ऐसे गर्भाधान भी संस्कार है। बच्चे भी ऐसे नहीं कि हो गए खेल खेल में कि सबके होते हैं, हमारे भी हो गए, शादी हो गई बच्चे तो होंगे, वो भी संस्कारों के अनुसार ही होने चाहिए। होता है कैसा हमारे अंदर क्षमता है कि बच्चा हो है? माता के गर्भ में व्यवस्था किसने करी है कि अगर अगर बीज पड़ेगा तो इससे बच्चा होगा? हमारे पुरुष के बीज में ये क्षमता किसने दी है कि इससे बच्चे हो सकते हैं? तो अपने हिसाब से क्यों, सारी व्यवस्था में से अपने हिसाब से क्यों? इवन शास्त्र तो बोलते हैं कि इसके लिए अनुष्ठान होना चाहिए पहले, कि अब हम तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे होंगे, यज्ञ होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। और समाज में तो थोड़ा उल्टा ही हो गया पूरी तरह से, कि बताना नहीं है कि हम बच्चे प्लान कर रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं, अनुष्ठान होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए इसके लिए कि अब हम गर्भाधान संस्कार का पालन करेंगे, अब गर्भधारण की व्यवस्था के लिए आगे प्रयास करेंगे। और बिल्कुल पूरी तरह से उल्टा हो गया कलयुग में, अभी से 5-4 साल ही गए, इसको बताना नहीं जब तक कह नहीं जाए, खुद तो पालन कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं उसके हिसाब से है ना। तो जितनी भी मुख्य समस्या है वो शरीर की वजह से, और समाधान क्या है, भगवान का नाम, क्या नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एग्जैक्टली यही, ना आगे ना पीछे, क्योंकि मैंने नहीं बताया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं राम आना चाहिए, पहले राम आए, किसने बताया पहले राम आए, राम कहेंगे हम रामानंदी हैं तो कृष्णानंदी नहीं, वेद व्यास रामानंदी कृष्णानंदी के हिसाब से नहीं लिखे गए, वेद व्यास और निम्बार्की और गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से नहीं लिखे गए, सभी जीवों के लिए लिखे गए और प्रेरणा दे रहे हैं उनके गुरुदेव नारद मुनि लिखित में, सबके लिए है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, कलि संग्रह उपनिषद में है ना, इन सब में
तो आप ब्रह्मा जी से इंटेलिजेंट तो हम नहीं है। वो लोग कहते हैं पहले राम अवतार हुआ था इसलिए पहले राम का नाम। मैं से 99% को ये नहीं पता कब हुआ था, पर कहते हैं किसी चतुर्युग में हुआ था कि नहीं हुआ था। एक हमारे पड़ोस में तो अंकल जी हैं, रिटायर्ड हैं वो बीएसएनएल, तो हमारा अभी नया नया मकान बना पिताजी का, तो उसमें टाइल लगी तो हरे कृष्णा मंदिर, तो पहले हरे कृष्ण 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 हरे था, दूसरी साइड में हरे राम राम, तो ऐसे आगे बोल रहे पापा जी के, मैं भी था यार ये करवाया तो सही है, भगवान का नाम लिखवा दियो आगे उल्टो लिखवा दियो तो पहले राम आना चाहिए। क्यों अंकल जी राम का पहले राम आए, मैं तो पहले तो यही बता दूँ कब आए, 5,000 साल पहले कृष्ण आए, 7,000 साल पहले राम आए। मैंने कहा आपको बताया कलयुग का समय सीमा कितनी है ना, मैंने कहा 5,32,000, उनकी कान खुल गए बिल्कुल। मैंने द्वापर की समय सीमा है 8,64,000 साल, 4,32,000 साल कलयुग की और 8,64,000 साल द्वापर की। अब मैंने बताओ 8,64,000 साल द्वापर की थी, तो बस 2,000 साल का अंतर था राम और कृष्ण। मैंने कहा मैं ये तो बता ही नहीं रहा हूँ पहले आए कि बाद में आए, आपने 5,000 7,000 बोला चलिए बोल तो कब आए, मैंने कहा 8,64,000 साल को तो कम से कम अंतर रहता है। नहीं यार हमने 5 साल तो रिटायर हुए नहीं, बस 5-10 साल हो रहे हैं तो परमानेंट हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा कि राम आए कृष्ण आए, कि राम लेना था कि कृष्ण लेना था। तो ये तो लाला ज्ञान है, मैंने सुनी है तो वृंदावन वृंदावन गो में बस सुनते ही रहना, इन्हें जानना नहीं है। मैं कितनी बार बोल के जाता क्लास में आ जाया करूँ, अरे यार बस वैसे कह के चले है ना। तो आधे लोगों के साथ यही दिक्कत है, हम तो नहीं कह रहे कि राम पहले आए कृष्ण पहले आए, इस चर्चा में हम जाते ही नहीं है, हालांकि सब कुछ प्रमाण है शास्त्रों में, लेकिन जब क्रम यही बता रहे ऋग्वेद में यही क्रम बता रहे हैं, यजुर्वेद में यही क्रम बता रहे हैं, प्रेम संहिता ब्रह्मा जी बता रहे, कलि संतरण उपनिषद में बता रहे, और कितनी सारी जगह रेफरेंस है सीधे सीधे इसी श्लोक का, जैसे हम अभी कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, यदि षोडश नाम नाम कलि कल्मष नाशन नाते परतो पाया सर्वेदि सुदर्शन, कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी बोल रहे कि यह 16 अक्षरों का नाम है ना, यही कलि के कल्मषों को नाश करने वाला, नाते परतो पाया और कोई उपाय नहीं है, सर्ववेदि सुदर्शन, सभी वेदों को देख लिया मैंने, ब्रह्मा जी बोल रहे तो हम क्यों अपना दिमाग लगा, ऐसे हमने तो आगे बनाया नहीं है, महामंत्र सिंपल। आम समाज में आप कहेंगे तो आपके विरोधाभास में भी लोग बोलेंगे तो ना पता पहले राम आएगा, अगर वैसे बाई चांस राम नाम को पहले कोई आपत्ति नहीं इसमें, कोई अपराध जैसे भी हो जैसे कोई अपराध नहीं, लेकिन केवल इसलिए ले रहे हैं कि राम पहले आए थे ये सही नहीं है, और इसमें भी मतलब बहुत खराब बात ये है कि फिर उनको अहंकार को चोट पहुंच, धारणा गलत है ना, मतलब चलो राम पहले ले रहे हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, हृदय तो नंबर होना चाहिए। अब वाल्मीकि जी तो मरा मरा कह के राम राम हो गया उल्टा, और उन्होंने रामायण का रचना कर दी, तो केवल भगवान का नाम लेने से, जैसे अजामिल प्रसंग में भी हम चर्चा कर रहे थे, एक बार नाम लेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, यमदूतों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं यमराज, कोई एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है, एक बार भी गोविंद का नाम लेता है ना, पांचवें स्कंद में भागवतम के अंदर बहुत जबरदस्त आता है पूरा अजामिल का प्रसंग है, उसमें साफ साफ बोल रहे हैं कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसको नरक लाने की जरूरत नहीं, उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल है बस भगवान का नाम लेना कर सकते हैं, तो सब लोग माला पे ले दें तो और अच्छा है, एक नियम बनता है और माला नहीं है हाथ में तो आते जाते जैसे भी व्यवस्था है वैसे लेते रहिए, कम से कम इतना तो लेंगे, जैसे जिम में जाते हैं बच्चे फिक्स रहता है इतने दंड तो मैं करूंगा ही, या स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी जाते हैं कि भाई मैं 5 घंटे की सिटिंग तो करूंगा ही करूंगा, इवन आमतौर पर हम खाना भी गिनती खाते हैं भाई 4 से 5 रोटी इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, ऐसे तुरंत खाते जाते हाँ कम से कम इतना तो रहता है, प्रण लेते हैं जैसे व्रत का लेते हैं भाई मैं अन्न से तो अन्न तो मैं नहीं खाऊंगा, भले ही मुझे भूख लगी तो मैं फलाहार ले लूंगा है ना, तो ये मतलब एक तरह से हम प्रण ले लेते हैं भाई इतना तो मैं नाम लूंगा ही लूंगा,
जैसे बहुत सारे लोग तर्क करते रहते हैं, अरे भगवान बेहिसाब दे रहे हैं तो नाम ले तीन दिन के क्यों, तो भाई तू बेहिसाब ले लेना, भगवान तो दे ही रहे तो तू लेता ही रहे, संभव है नहीं है ना। तो इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि हाँ भाई आचार्य लोग बता रहे हैं कि माला से सुविधा रहती है ना, माला से सुविधा भी रहती है और मन भी स्थिर होता है। तो क्या करना है, केवल भगवान का नाम लेना है, भगवान का जप करना है, कीर्तन करना है अगर संभव है तो, नहीं है तो अपने मन में तो सब लोग गाते ही रहते हैं, मैं तो बच्चे की उम्र का हूँ, आप सब लोग अनुभवी हैं, लेते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो अभी अभी ऑफर करेंगे, हो गया है ना, ठीक है। तो अभी बस है आप करेंगे है ना, तो बस अभी आरती करेंगे 5-10 मिनट और फिर उसके बाद प्रसाद मिलेगा, सब लोग प्रसाद लेके जाएं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी मन में आ रहा है। एक आपने जो बात बताई कितने बिच्छू की डंक मारने जैसा कष्ट होता है, तो क्या हर किसी को परमात्मा जो भजन करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरु जी थे वो सुबह नहा धो के भजन कर रहे, तो ऐसे बैठे बैठे वो शांत हो गए। हाँ बिल्कुल, चेला लोगों ने महाराज जी को लेट हुए और उनके चक्की जब आए बहुत अच्छी आ गई, भगवान के ये शरीर शरीर के स्तर तक ही है। साधु संत की बता रहे हमें तो कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि उनका क्या स्तर था भक्ति का, क्योंकि हमारा खुद का स्तर नहीं, लेकिन आम तौर पे क्या है जैसे हम आप थोड़ी सी भक्ति करेंगे ना तो आपको छोटे मोटे कष्ट होना बंद हो जाएंगे, कम से कम टेंशन बंद हो जाएगी, ये भी एक मानसिक कष्ट है। तो जो साधु संत है जो पूरा जीवन ही भक्ति में किए हुए आगे से ज्यादा तो शरीर के स्तर से ऊपर जा ही चुके होते हैं, उनको वैसे ही सर्दी गर्मी नहीं रहती, देखते कुछ पहनते नहीं, ये जो आदि जो भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट है उन सब से तो वैसे ही ऊपर जा चुके हैं। और जो भक्त लोग होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए भागवत में बताते हैं जैसे भवसागर को पार करना, और भक्तों के लिए उदाहरण देते हैं, बिल्कुल एकदम उदाहरण है, सटीक एकदम सुखदेव स्वामी एकदम सटीक उदाहरण दे रहे हैं। और भक्तों के लिए भवसागर को पार करना कैसा है, जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के सर कुत्ता खुद पार हो जाए वही मुश्किल है, 1 किलोमीटर पानी में जाएगा तो खुद ही डूब जाएगा और हम उसकी पूंछ पकड़ के उसके सहारे जाए, लेकिन भक्तों के लिए कितना बड़ा है भवसागर है इसे बता रहे पार करने, जैसे एक गाय के खुर में जितना पानी भर जाता है उसको पार करना कितना मुश्किल है, बस एक कदम रखा भगवान के धाम इतना सा, लेकिन वो शास्त्र अनुसार हम भक्ति करेंगे तो अपने मन से कुछ ना करें तो ज्यादा सही। जैसे अर्जुन अपने मन से ही सोच रहे थे मैं नहीं मारूंगा ये तो मेरे परिवार में, उसको ध्यान ही नहीं है कि अधर्म के रास्ते पे जा रहे हो आप, फिर भगवान धर्म का ज्ञान देते हैं बताते हैं ये सब उन्होंने गलत किया है, क्षत्रिय रूप में तुम्हें मारना ही होगा, युद्ध से नहीं भाग सकते तुम, अर्जुन तो भाग रहे थे। जैसे आमतौर पर लोग बोलते हैं भगवदगीता प्रेरित करती है लड़ाई के लिए, अर्जुन तो खुद ही बाबा जी होना चाह रहे थे, मैं जंगल चला जाऊँगा मुझे नहीं राजपाट की इच्छा, लेकिन भगवान क्या बता रहे जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें करना ही होगा, है ना। आमतौर पर समाज में धारणा है कि भाई आप नहीं करेंगे, कर्म की धर्म अनुसार बच्चों को पाल लेना है तो कर्म है, लेकिन आप भक्ति करा के उनको पालेंगे खुद स्वयं भक्ति करेंगे धर्म अनुसार पालेंगे तो वो ज्यादा सही है। पल तो जाते ही गाड़ियों बाहर बैठे रहते हैं उनके पल जाते हैं, वो उधर नहीं भक्ति है क्या, भिखारियों के भी पल जाते हैं आतंकवादियों के भी पल जाते हैं, लेकिन हाँ लेकिन अब हम सनातन संस्कृति में हमें जन्म मिला है और आसपास ऐसा वातावरण भी मिला है कि हमें पता है भगवान कौन है, हमें भक्ति करनी चाहिए, ये सब हमें मिला है, बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ नाम भी नहीं पहुंचा भगवान का, है ना। या किसी और धर्म में हम होते हैं जैसे मुस्लिम धर्म में होते शायद भक्ति नहीं कर पाते, प्रेमा भक्ति जो है वो अपनी भक्ति लेकिन हाँ मतलब थोड़े नियम अलग है तो सबके है ना सब धर्मों के अलग हाँ। तो इसलिए हमें अगर ये मौका मिला है तो ये छोड़ना नहीं है, आगे का पता नहीं है, खूब भगवान का नाम लीजिए, नरक जाने से तो हम बच ही गए एक बार भगवान का नाम ले लिया, अब हमें भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी है, इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम लेने के साथ साथ भगवान को अर्पित करते हुए, जैसे खाना अगर हम बिना बुलाए खाएंगे तो पाप खा रहे हैं, ऐसा सत्रह अठारहवें अध्याय में आता है मुझे याद, इसको भगवान बता रहे हैं किस प्रकार का खाना होना, सबसे पहले तो बता रहे हैं बिना भोग लगाए नहीं खाना, जैसे जिस लोग आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त परिचित हुआ, कि मुझे मतलब अगर कोई पत्ते फूल फलम और तोयम यानी जल केवल इतना भी अर्पित कर देता है तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। हमारे यहाँ तो
भगवान को भोग लगाने वाले से जिस भोजन को भगवान को भोग लगा सकते हैं वही हमें खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे लोग बोलते हैं हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, बिल्कुल भोग नहीं लगा सकते, जो वो खा सकते वो ही हम खा। हाँ भगवान बोलते हैं कि अलग बना लें, कहते हैं भगवान ही नहीं खा सकते उसको, तो आप क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो ऐसा ही भोग लगाना जो भगवान खा सकते, क्योंकि भगवान नहीं खा सकते तो हमारे खाने का प्रश्न ही नहीं था, तो हम पाप ही खा रहे हैं, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हैं तो ठीक है, आरती कर लेते हैं बस 10 मिनट, उसके बाद हम नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गौर भक्तवृंद। मैं गाऊंगा और मेरे पीछे सब लोग गाएंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna.
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर की श्री कृष्ण बलराम की श्री गौर निताय की श्री पंच तत्व की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री नरसिंह भगवान की श्री लड्डू गोपाल की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।